हीट तब तक बोलोगे जब तक वो ए से बी की तरफ जा रही होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसको टच करके हमें कुछ हॉटनेस फील हो रहा है कुछ कोल्डनेस फील हो रहा है तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं हीट हीट एनर्जी बोलते हैं हैं वर्क और के बीच का रिलेशन निकालना चाहते तो हमें जूल को कैलरी, में, कैलरी को जूल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यह होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के लेंथ में इंक्रीमेंट आता है उसके एरिया में इंक्रीमेंट आता है उसके वॉल्यूम में, में इंक्रीमेंट आता है इसी

क्या है कैसे कैसे इनका मेजरमेंट है कैसे कैसे हीट फ्लो होती है किन किन तरीकों से हीट फ्लो होती है वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हीट सप्लाई किया जाए तो उसमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में यही आता है कि सर हीट क्या होता है वॉट इज हीट तो बेटा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है ना हीट क्या है एक एनर्जी का फॉर्म है है ना विच एनेबल्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसको टच करके हमें कुछ हॉटनेस फील हो रहा है कुछ कोल्डनेस फील हो रहा है तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं हीट एनर्जी बोलते हैं हीट इज बेसिकली एनर्जी इन ट्रांजिट अब इस लाइन का मतलब बेटा क्या है इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जा रही है ठीक है जो फ्लो हो रही है उसी एनर्जी को हम लोग हीट बोलते हैं और एक बार जब एनर्जी इधर से इधर पहुंच गई तो अब ये इस ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी कहलाती है यानी कि हीट एनर्जी वैसे कोई ऐसा नहीं होता कि यह ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट में इतनी हीट एनर्जी है गलत ऑब्जेक्ट के अंदर जब है तो वो इंटरनल एनर्जी है लेकिन जब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस तब हम उसको बोलते हैं कि सर ये हीट एनर्जी होती है इसलिए कहा जाता है हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट ट्रांसिट मतलब ट्रांजिशन में जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी

हीट ऑफ बॉडी इसका कोई मतलब नहीं है जब एनर्जी इधर से इधर जा रही है उसी को हम हीट एनर्जी बोलेंगे अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी फ्लो हो रही है तब सो वी डिफाइन हीट एज द एनर्जी इन ट्रांजिट दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दम वंस हीट इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट राइट right? जब हीट इधर से इधर आ चुका है इस ऑब्जेक्ट में हीट आ चुकी है तो अब ये इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी कहलाती है हीट तब तक बोलोगे जब तक वो ए से बी की तरफ जा रही होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस आई होप आप लोग हीट समझ गए होंगे अब आ जाइए यूनिट ऑफ हीट बात करते हैं सीजीएस यूनिट जो हीट की होती है बेटा वो कैलरी है तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी और वन कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर थ्रू वन डिग्री सेल्सियस एक ग्राम वाटर का टेंपरेचर एक डिग्री सेल्सियस वो भी 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी वन कैलोरी के बराबर होती है एस SI यूनिट जो है बेटा वो जूल है और वन कैलोरी जो है वो फोर जूल के बराबर होती है ठीक है वन एट जूल के बराबर होती है वन कैलोरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट जूल या इसी को फोर पॉइंट टू जूल लिख सकते हो राइट फोर पॉइंट टू जूल इसको लिखा जा सकता है तो ये फॉर्मूला याद रखना कैलोरी को जूल में कई बार कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट बेटा आ जाती है कन्वर्ट हम लोग को करना पड़ जाता है अब इसके बाद जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है ठीक है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब देखो क्या है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जूलिस्ड अ रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड यानी जब भी कभी हम वर्क और हीट के बीच का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हमें जूल को कैलोरी में कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है तो हमें वो जो पीछे 4.2 हम लोगों ने पढ़ा था उसी 4.2 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है ही शोड दैट वेन अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इंटू हीट कह रहे हैं कि जब भी कभी वर्क इज कन्वर्टेड इंटू हीट ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड कह रहे हैं जब भी कभी वर्क को हीट में आप प्रोड्यूस करोगे कन्वर्ट करोगे तो जितना वर्क है उतना ही हीट वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ठीक है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कहने का मतलब अगर हीट बढ़ा रहे हो तो वर्क भी बढ़ जाएगा या वर्क बढ़ा रहे हो तो हीट बढ़ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जे इसी जे को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ठीक है तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यही जे कहलाता है कह रहे हैं कि अगर क्यू की वैल्यू वन हो जाए तो ये जो जे है वो W के बराबर हो जाता है राइट सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जे इज कॉल्ड जूल्स हीट, इट मे बी डिफाइंड ऑफ वर्क है अमाउंट ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस अट क्वांटिटी ऑफ हीट यानी कि वन यूनिट हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है उसी को बेटा मैकेनिकल इक्विवलेंट ऑफ हीट कहा जाता है ठीक है तो ये इसका समझ लो डेफिनेशन हो गया और ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वैल्यू वही है 4.18 जूल पर कैलोरी या 4.18 पॉइंट टेन की पावर सेवन अर्ग पर कैलोरी ठीक है वन जूल जो है वो टेन की पावर वन जूल जो है वो टेन टू दी पावर सेवन अर्ग के बराबर होता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा वन जूल इज इक्विवेलेंट टू टेन टू दी पावर सेवन अर्ग यही कारण है ये जूल पर कैलोरी में था ये अर्ग पर कैलोरी में है टेन की पावर सेवन का बेटा मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया गया है राइट सो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब आप सिंपल चले uh, समझ गए होंगे कि भाई वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट है तो वर्क इज इक्वल टू जे टाइम्स हीट होता है या जे इज इक्वल टू वर्क अपॉन हीट होता है क्लियर इसी जे की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 4.2 नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर क्या चीज है टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन द ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है किसी ऑब्जेक्ट में कितनी इंटरनल एनर्जी है ये उस ऑब्जेक्ट के से हमें समझ में आता है जितना ज्यादा टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा है या इनडायरेक्टली बोले तो उसमें हीट उतनी ही ज्यादा होती है द टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी वेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर हेंस टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज द द द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन टू दे आर इन थर्मल विद ईच अदर यानी दो प्लेसम ए और बी दोनों को हमने कॉन्टेक्ट में रखा है अब हीट ए से बी में जाएगी या बी से ए में जाएगी इसको डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है ठीक है तो टेम्परेचर वो थर्मल स्टेट है जो हीट फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से बेटा लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो कर रही होती है तो अगर एक ये बॉडी है मान लो ये हमारी हाई टेम्परेचर बॉडी है हाई टेम्परेचर बॉडी है इसका टेम्परेचर T1 है ठीक है और इससे मैंने कनेक्ट किया है एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये जो कि लो टेम्परेचर बॉडी है इसका टेम्परेचर मान लो टी टू के बराबर है राइट तो यहां पे मैं कंडीशन दे रहा हूं कि टी वन इज वेरी मच ग्रेटर देन टी टू या वेरी मच ना भी हो टी वन अगर टी टू से बड़ा भी होगा बेटा तो टी वन से टी टू यानी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ अपने आप हीट का फ्लो हो जाएगा राइट सो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी अब बेटा हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस बता रहे हैं तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज इन सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जबकि टेम्परेचर क्या है दैट इज डिग्री ऑफ ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस द बॉडी इट इज अ कॉज वेन सम हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस और टेम्परेचर क्या है इफेक्ट है हीट कॉज है हीट प्रोवाइड करोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा लेकिन टेम्परेचर क्या है एक इफेक्ट है इट रिप्रेजेंट्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी ट जो है किसी ऑब्जेक्ट में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसके सारे मॉलिक्यूल्स का है उनको रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी ये टोटल एनर्जी को दिखाता है जबकि ये किसी मॉलिक्यूल्स में जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये उनको रिप्रेजेंट करता है हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट पोजेस्ड बाई द बॉडी इन कॉन्टेक्ट यानी इसमें और इसमें कितना हीट है उससे नहीं मतलब है ये हाई टेम्परेचर पे है ये लो टेम्परेचर पे है तो हीट इससे इधर की तरफ जाएगा राइट नेक्स्ट है टेम्परेचर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर इट इज इन मेजर किलो कैलरी जूल जबकि टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में फॉरन में या फिर कैलविन में राइट अब आ जाता है बेटा थर्मल एक्सपेंशन यहां पर मैं एक कंसेप्ट आपको और बताना चाहता हूं डिग्री सेल्सियस फॉरन ठीक है और कैलविन जो है इनको मेजर करने के लिए बेटा टेम्परेचर स्केल्स आते हैं थर्मो जिनको हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर ठीक है किसी भी एक थर्मामीटर की अगर मैं बात करूं मान लो सेल्सियस थर्मामीटर की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें जीरो डिग्री सेल्सियस से बेटा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक के इस तरीके से नंबरिंग होती है यहां पर पूरे मतलब इसके हंड्रेड इक्वल पार्ट्स कर दिए जाते हैं राइट right? यानी कि यहां पर कितने डिविजन्स हो जाएंगे देयर मस्ट बी हंड्रेड हियर जीरो से अब ये जीरो डिग्री सेल्सियस क्या है दैट इज बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर यह वॉटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो है बेटा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर दट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर यह वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है राइट बिल्कुल इसी तरीके से कोई दूसरा अगर मैं स्केल यहां पे बना दूं ठीक है कोई दूसरा स्केल बना दूं जैसे 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन तक होता है ये केल्विन स्केल यहां भी नंबर ऑफ डिवीजंस इक्वल है बेटा 100 डिवीजंस होते हैं ये भी हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है बिल्कुल इसी तरीके से और भी स्केल्स हो सकते हैं जैसे फारेनहाइट स्केल हो सकता है फारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फारेनहाइट तक होता है 32 डिग्री फारेनहाइट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट और उधर 212 का मतलब होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और यहां पर जब आप देखेंगे तो 180 सौ होते हैं तो सौ बारह में से अगर आप बत्तीस घटाएंगे तो एक 180 आएगा तो इसमें नंबर ऑफ डिविजन ज्यादा होते हैं ठीक है एक सौ हो जाते हैं अल्टीमेटली अगर मैं नेमिंग कर दू तो ये हमारा कौन सा स्केल है भैया ये हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल दिस इज सेल्सियस स्केल दिस वन इज केल्विन स्केल दिस इज फॉर एन हाइट स्केल राइट इस तरह से और भी बेटा स्केल्स हो सकते हैं रैंकाइन स्केल रियमर स्केल जब आप और बड़े होंगे और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर और भी कई सारे स्केल्स आएंगे बीटेक एमटेक में जो आप पढ़ेंगे राइट right? फिलहाल अगर मैं इन सभी टेम्परेचर को आपस में रिलेट करने वाला फॉर्मूला बता दू ठीक है अगर मैं इनको आपस में मान लो रिलेट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला देखो क्या होगा तो अगर मैं इन सभी को रिलेट करने वाला फॉर्मूला बताऊं टेम्परेचर को आपस में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो देखो इनके बीच का फॉर्मूला क्या है समझ लो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर वैल्यू कितनी है जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं हंड्रेड ये इसका फॉर्मूला है टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में चाहिए माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऐसे ही टेम्परेचर आपको चाहिए केल्विन में माइनस लोअर वैल्यू कितनी है बेटा 273 नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं 100 टेंपरेचर फारेनहाइट में चाहिए माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस दैट इज 180 काम खत्म ये इनके बीच का बेटा फार्मूला आ गया ये इनके बीच का रिलेशन आ गया अब आपको कभी मान लो सेल्सियस और कैल्विन में रिलेशन चाहिए आप लोग को पता भी होगा वो रिलेशन तो आप ये दोनों ले लेंगे जैसे ही आप ये दोनों ले लेंगे तो टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन कैलविन माइनस टू सेवन थ्रीड बाई हंड्रेड ये हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर टेम्परेचर इन कैलविन माइनस टू सेवेंटी थ्री तो टेम्परेचर इन कैलविन बेटा आएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री तो कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने को अगर आपसे कहा जाए तो आप उसमें 273 ऐड कर देंगे राइट अगर आपको सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन चाहिए तब देखो आप आप लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 20 से कैंसिल करेंगे इधर 5 आएगा और इधर 9 आएगा तो ये बनेगा बेटा नाइन अपॉन फाइव टेम्परेचर इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फॉर एन हाइट माइनस थर्टी टू तो टेम्परेचर फॉर एन हाइट का आएगा थर्टी टू प्लस नाइन बाई फाइव टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ये तो कभी भी फॉरन हाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो बेटा तो ये रिलेशन आ जाएगा सिमिलरली अगर आपको कैल्विन और फॉरन हाइट में रिलेशन चाहिए तो इन दोनों को लेकर के इसी तरीके का आप फॉर्मूला बेटा बना सकते हैं तो मैंने आपको फंडामेंटल सिखा दिया है राइट right? मैंने आपको बेसिक सिखा दिया है बेसिक यही है इसके बेसिस पर कोई भी थर्मामीटर बनाया जाए आप उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के टेम्परेचर को एक दूसरे टेम्परेचर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं राइट तो इसको फटाफट -फड़ अपनी कॉपी पे बेटा नोट कर लेना नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यह होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के लेंथ में इंक्रीमेंट आता है उसके एरिया में इंक्रीमेंट आता है उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आता है इसी प्रोसेस को बेटा थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है सो ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ठीक है तीन तरीके का थर्मल एक्सपेंशन है सबसे पहला है बेटा Λा। लीनियर एक्सपेंशन जब ऑब्जेक्ट की लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा हो हीट करने पर दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन जब ऑब्जेक्ट के एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा हो हीट करने पर राइट और तीसरा है क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जब ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा हो हीट करने पर तो आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो कई बार लेंथ बढ़ेगा तो लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे एरिया में चेंज आ रहा है एरिया इंक्रीज हो रहा है तो सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन कहा जाता है वॉल्यूम में अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी नाम दे सकते हैं अब आ जाइए एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताता हूं सबसे पहली बात यह है कि अगर बेटा किसी एक रॉड को ले लिया जाए मान लो ये एक रॉड है इस रॉड का जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल के बराबर है ठीक और इस रॉड को लेटर सपोज में एक कोने से हीट करना स्टार्ट कर रहा हूं यहां से हमने इस रॉड की हीटिंग स्टार्ट कर दिया अगर आप इस रॉड को हीट करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियस है इस रॉड के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आने लगेगा बेटा देयर मस्ट बी सम चेंज इन टेम्परेचर तो बेटा जैसे जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे ना इस रॉड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स रहे होंगे जब हीट करोगे तो उन सभी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी ठीक है सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर इधर उधर भागना शुरू करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ बार बार आकर के कोलाइड करेंगे जब वो इधर की तरफ बार बार आकर कोलाइड करेंगे तो इस रॉड की लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा राइट इस रॉड की लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आ जाएगा लेटर सपोज इंक्रीज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल के बराबर है राइट right? तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ होता है डेल्टा एल दैट इज इंक्रीज इन लेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ लेंथ ऑफ द रॉड रॉड का जितना ज्यादा होगा बेटा उसमें इंक्रीमेंट भी उतना ही ज्यादा आएगा दिस इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस लाना चाहते हो इंक्रीमेंट लेंथ में उतना ही ज्यादा आएगा ऑन कंबाइनिंग दीज टू ऑन कंबाइनिंग टू जैसे ही आप कंबाइन करेंगे डेल्टा एल विल बी प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी के बराबर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बेटा तो कांस्टेंट आएगा ठीक है वो कांस्टेंट यहां पर होता है कांस्टेंट होता है अल्फा देखो डिफरेंस है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था और ये अल्फा है ठीक है ये अल्फा है इसी अल्फा को कहा जाता है कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसी अल्फा को हम लोग क्या नाम देते हैं दिस इज ओफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन इस अल्फा को नाम दिया जाता है डेल्टा एल जो है वो एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है एल क्या है इस रॉड का लेंथ है अल्फा क्या है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है डेल्टा टी जो है दैट इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस रॉड राइट तो यहां पर आपसे कहा गया कि भाई कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है तो मेरे प्यारे बच्चों कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी के बराबर राइट अब इसमें अगर हम लोग एक काम करें क्या इफ रॉड का लेंथ अगर हम लोग वन यूनिट मान ले और उसमें जो टेम्परेचर चेंज हमने किया है वो भी हम लोग वन यूनिट का टेम्परेचर चेंज कर दें तो अल्फा जो है वो इंक्रीमेंट इन लेंथ के बराबर हो जाएगा अब इसी चीज को हम लोग अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे कि अगर वन यूनिट लेंथ का रॉड हो और उसके टेम्परेचर में वन यूनिट का हम लोग चेंज करेंगे तो जितना रॉड की लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा वही उसके अल्फा के बराबर होता है तो पढ़ो हेंस ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन इट्स टेम्परेचर राइट इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट इंक्रीज इन टेंपरेचर ऑफ दैट रॉड ठीक तो बेटा ये आ गया अब इसके अगर मैं यूनिट की बात करूं देखो एल एल मीटर मीटर कट जाएगा पर डिग्री सेल्सियस इसका जो यूनिट आएगा इसका जो यूनिट आएगा विल बी पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट जो है वो पर डिग्री सेल्सियस हमारा निकल कर आ जाएगा राइट नोट्स को मैं सेव कर दे रहा हूं अब आ जाइए अगला है द यूनिट ऑफ अल्फा तो यहां लिखा ही हुआ है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन ठीक है अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन चलो नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन फिश ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब यह है कि अगर मान लो इस तरीके का हम लोग कोई एक स्क्वायर प्लेट ले लें बेटा ठीक अब इस स्क्वायर प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया रहा होगा राइट कुछ ना कुछ इसका एरिया रहा होगा और जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो इसके लेंथ में भी इंक्रीमेंट आएगा और इसके ब्रेथ में भी इंक्रीमेंट आएगा ठीक है तो इस तरीके से इसका देखो ब्रेथ भी बढ़ेगा और इस तरीके से इसका जो है लेंथ में भी इंक्रीमेंट आएगा तो ओवरऑल इतना इसके एरिया में इंक्रीमेंट आ जाएगा राइट तो इंक्रीज इन एरिया लेट अस सपोज डेल्टा ए के बराबर है तो यहां पर भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम लोग कहेंगे कि भाई चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है ऑन कंबाइनिंग ऑन कंबाइनिंग वी हैव टी और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर आएगा बीटा तो ए बीटा डेल्टा टी ठीक ये जो बीटा है इस बीटा को कहा जाता है कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ये बीटा कहलाता है कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या फिर कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन राइट तो डेल्टा ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी अब यहां से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भैया बीटा क्या होता है तो आपको लिखना चाहिए डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी के बराबर राइट right? सो so, अगर हम लोग यहां भी वही बात आई कि अगर हम लोग एरिया वन स्क्वायर यूनिट ले लें चेंज इन टेम्परेचर हम लोग वन यूनिट के बराबर ले ले तो बेटा ऐसे में जो बीटा है वो चेंज इन एरिया के बराबर आ जाएगा इसको आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो राइट हेंस कोफिश ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ द मेडलिक शीट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री राइज़ इन द टेंपरेचर तो लेंथ की जगह बस एरिया आ गया है बट यूनिट जो है वो इसका भी भी वही है पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन क्योंकि डेल्टा ए और ए मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया तो अल्टीमेटली टेंपरेचर ही बचता है बिल्कुल इसी तरीके से बेटा क्यूबिकल एक्सपेंशन है क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब अगर कोई क्यूब ले लेंगे तो उस क्यूब के केस में अगर आप क्यूब लेंगे तो क्यूब के लिए फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी ठीक है तो यहां पर मैं सीधे सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं ये जो गामा है इस गामा को कहा जाता है कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन राइट यहां से हम लोग बेटा गामा को डिफाइन कर सकते हैं कि गामा जो है वो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी के बराबर होता है ठीक और बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी डेफिनेशंस को बनाया जा सकता है हेंस द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज़ इन इट्स टेम्परेचर तो पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन इसका यूनिट हो जाता है आई होप आपको अल्फा बीटा और गामा ये तीनों समझ में आ गया होगा इनकी लैंग्वेज बनाना इनको लैंग्वेज में डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा आसान है नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा बीटा एंड गामा तो आइए रिलेशन देखते हैं कैसे इनके बीच का रिलेशन आने वाला है तो अस कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर प्लेट है ठीक है So, let us कंसीडर a स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ एल तो हम लोगों ने एक स्क्वायर प्लेट ले लिया जिसका लेंथ एल है एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई वन यूनिट मान लेते हैं कि बेटा इसका जो टेम्परेचर है वो वन यूनिट इंक्रीज कर दिया गया राइट right? अगर आप वन यूनिट टेम्परेचर में इंक्रीमेंट लाएंगे तो आप जरा सोचो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों में इंक्रीमेंट आएगा बेटा है ना तो इंक्रीज इन इंक्रीज इन साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज इन साइड ऑफ स्क्वायर ठीक है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है बेटा अब एक चीज सोचो अगर मैं एल लेंथ की बजाय वन यूनिट लेंथ ले लू इसका वन यूनिट लेंथ अगर मैं ले लू तो लेंथ की वैल्यू वन यूनिट हुई अल्फा चेंज इन टेम्परेचर भी वन यूनिट का हुआ तो चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा राइट इंक्रीमेंट लेंथ में कितना हो जाएगा अल्फा के बराबर सो so आफ्टर या ठीक है आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे अब ये जो स्क्वायर प्लेट बनेगा भाई स्क्वायर प्लेट के लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा पहले लेंथ वन था अभी इसका लेंथ हो गया वन प्लस अल्फा के बराबर सिमिलरली ब्रेथ भी पहले वन था अभी हो गया वन प्लस अल्फा के बराबर ठीक तो वी कैन ऑब्जर्व दैट वी कैन ऑब्जर्व दैट इनिशियल एरिया ऑफ प्लेट प्लेट का इनिशियल एरिया अगर देखा जाए तो ए इनिशियल वन स्क्वायर यूनिट था ठीक भाई वन का स्क्वायर वन स्क्वायर यूनिट और फाइनल एरिया ऑफ प्लेट अगर निकाला जाए तो फाइनल एरिया हमारा जो है दैट विल बिकम वन प्लस अल्फा होल स्क्वायर यूनिट ठीक है भाई पहले एरिया था वन स्क्वायर यूनिट का अभी एरिया हो गया वन प्लस अल्फा होल स्क्वायर स्क्वायर यूनिट के बराबर राइट सो मेरे प्यारे बच्चों यहां से अगर मैं चेंज इन एरिया निकालू तो चेंज इन एरिया हो जाएगा भाई साहब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया फाइनल एरिया है वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वन तो चेंज इन एरिया हमारा निकल आएगा वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन वन सेवन कैंसिल तो डेल्टा ए की वैल्यू बेटा निकल करके आ जाएगी देखो अल्फा जो है वो बहुत छोटा है अल्फा क्या है इंक्रीमेंट इन तो अल्फा स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा so, so, हमारा टू अल्फा के बराबर निकल आएगा चेंज इन एरिया कितना निकल करके आया बेटा टू अल्फा के बराबर अब अगर चेंज इन एरिया टू अल्फा के बराबर है सो वी नो दैट वी कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन दू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी ठीक है तो चेंज इन एरिया टू अल्फा के बराबर हो गया इनिशियल एरिया वन था चेंज इन टेम्परेचर भी वन था तो हमने डिराइव यह कर लिया कि भाई बीटा जो है वो टू अल्फा के बराबर होता है ठीक है तो कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा जो है दट इज इक्वल टू 2 alpha twice of alpha similarly similarly we can derive that gamma is equal to 3 alpha सिमिलरली देखो अभी हम लोगों ने स्क्वायर प्लेट लिया था तो बीटा बराबर टू अल्फा आया है अगर हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं जिसकी साइड वन होती फिर उसका टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाते तो उसकी हर एक साइड में वन प्लस अल्फा वन प्ल अल्फा वन प्लस अल्फा हो जाता तो फाइनल वॉल्यूम आता वन प्लस अल्फा का होल क्यूब इनिशियल वॉल्यूम होता वन के बराबर चेंज इन वॉल्यूम निकालते वन प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस वन सॉल्व करते तो वहां पर थ्री अल्फा के बराबर बेटा निकल कर आता राइट तो सिमिलरली हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि भाई गामा जो है वो थ्री अल्फा के बराबर है बट वी आर इंटरेस्टेड इन रेशियो ऑफ अल्फा बीटा इन गामा, दिस रेशियो इज इक्वल टू अल्फा इज टू टू इज टू थ्री अल्फा तो अल्फा 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 कैंसिल हो जाएगा वन इज टू टू इज टू थ्री मेरे प्यारे बच्चों अल्फा बीटा और गामा का जो रेशियो निकल करके आया जो डिराइव होकर के आया दैट इज है ना तो ये आई होप आपको सभी को रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा समझ में आ गया होगा कि बीटा जो है वो टू अल्फा के बराबर होता है और गामा जो है वो थ्री अल्फा के बराबर होता है ठीक है अब यहां पे कह रहे हैं कोफिशियंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस किसी भी आइडियल गैस में क्या होता है देखो फॉर एनी आइडियल गैस फॉर आइडियल गैस देखो सबसे पहली बात किसी भी आइडियल गैस के लिए जो PV होता है वो एन आर टी के बराबर होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए उसके प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन है PV बराबर NRT. अभी आगे आएंगे, gases, तो कहां से आया राइट फिलहाल आपको इतना पता होगा केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी रखा होगा कि आइडियल गैस की इक्वेशन होती है बेटा पी वी बराबर एनआरटी जहां पे पी प्रेशर है वी उसका वॉल्यूम है एन नंबर ऑफ मोल्स है आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी उसका टेम्परेचर है देखो जब भी किसी भी गैस की हम बात करते हैं हैं ना तो वहाँ पे तीन चीजें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ठीक देखो मोल्स और आर जो है वो कांस्टेंट होता है। तीन अब आप चैप्टर तो, हो, तो, करेंगे, करेंगे, हो, तो मान लो जैसे हमने बढ़ाया अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं बेटा टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो इधर से पी और वी दोनों ही राइट हैंड साइड इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो राइट हैंड साइड इंक्रीज होगा राइट हैंड साइड इंक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इंक्रीज होना पड़ेगा यानी पीवी को भी इंक्रीज होना पड़ेगा पीवी भी बढ़ जाएगा है ना अब पीवी बढ़ गया तो उसमें पी बढ़ा 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 या वी ये अभी हमको नहीं पता बट पीवी है प्रोडक्ट बढ़ गया है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो गया तो थोड़ा तो सा श्योरिटी नहीं आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ता है या वॉल्यूम बढ़ता है तो ऐसे में बेटा चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और एक बार हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे सो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इस बार श्योर है भैया टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम लोग लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी यारी अगर हमने टेम्परेचर में चेंज किया है तो इस बार चेंज किस में आएगा बेटा वॉल्यूम में चेंज आएगा क्योंकि प्रेशर कैसा है हमारा कॉन्स्टेंट है राइट सो इक्वेशन नंबर वन ये था इक्वेशन नंबर टू ये है ठीक है ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन जैसे डिवाइड आप करेंगे तो बनेगा पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई पी वी बराबर से आर कैंसिल पी से पी कैंसिल तो डेल्टा वी अपॉन वी ये जो रेशियो है ये डेल्टा टी अपॉन टी के बराबर बेटा आ गया ठीक है अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ठीक है यानी गामा निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गामा निकालना चाहते हैं नाउ ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस तो गामा जो है वो डेल्टा अपॉन वी डेल्टा वी टी के बराबर होता है गामा राइट और डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू हमारे पास है तो इस डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो वो वैल्यू कितनी है डेल्टा टी अपॉन टी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डेल्टा टी से डेल्टा टी भी हमारा हो गया तो अल्टीमेटली गामा की वैल्यू कितनी बेटा गामा गामा की वैल्यू कितनी निकला ही हमारी अपॉन ऑफ़ द और ये गामा हमने कब निकाला है प्रेशर पर ये, ये हमने निकाला? पर हमने गामा निकाला है. तो आप इसको देखो अगर आप ये समझाना चाहते हो कि ये क्यूबिकल एक्सपेंशन का है भाई, के लिए, तो इसको तुम गामा लिख लो राइट गामा वी यहां पे क्या डिनोट कर रहा है ये डिनोट कर रहा है कि दिस इज कोफिशियंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस गामा वी, इसकी वैल्यू अपॉन आ गया है अपने सेंस में इसको हम गामा पी भी लिख सकते हैं नीचे पी लिखने का मतलब है हमने कॉन्स्टेंट किसको किया है प्रेशर को ये पॉइंट ध्यान रखना ठीक है अब मैंने आपसे कहा था ना कि भैया यहां पे प्रेशर वॉल्यूम दो चीजें हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभी हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया अब इस बार हम अगला एक और डेरिवेशन करेंगे हम ठीक है हम एक और डेरिवेशन करेंगे भाई क्या हम ये कहेंगे नाउ एट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इस बार बेटा हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करेंगे अगर वॉल्यूम को मैं कॉन्स्टेंट करूंगा तो मुझे मेरे को लिखना पड़ेगा डेल्टा पी इस बार वी बाहर आ गया वी डेल्टा पी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी के बराबर इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री मानूंगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री बाई इक्वेशन वन तो वी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी वी बराबर एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन आर टी एन आर से एनआर कैंसिल वी से वी कैंसिल डेल्टा पी अपॉन पी डेल्टा टी टी अपॉन ये वैल्यू निकल आई अब यहां पर देखो जैसे हम लोगों ने सॉलिड्स में क्योंकि सॉलिड के बाद लेंथ है एरिया है वॉल्यूम है तो हमने अल्फा बीटा गामा डिफाइन किया है ना लीनियर एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्यूबिकल एक्सपेंशन किसी भी गैस की जब बात करते हैं बेटा तो गैस के पास प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीन चीजें हैं तो हमने टेम्परेचर तो वैसे ही चेंज करना है तो मतलब मोटा मोटा समझो प्रेशर और वॉल्यूम दो, दो चीजें हैं तो एक बार हमने डिफाइन कर दिया यहां पे क्यूबिकल एक्सपेंशन है ना अब ऐसे ही हम यहां पे प्रेशर एक्सपेंशन की बात करेंगे राइट सो वी कैन राइट हियर प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस यानी कि हमें यहां पे लिखना चाहिए नाउ कोफिशियंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन

टेम्परेचर के ही बराबर निकल कर आई यानी कि आप वॉल्यूम क्यूबिकल को कोफिशियंट अगर निकालना चाहते हो या प्रेशर कोफिशियंट निकालना चाहते हो दोनों की ही जो वैल्यू है आइडियल गैस के लिए वो वन अपॉन एब्सोल्यूट एप्सोल्यूटरेचर यानी में होगा ध्यान रखना अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ द आइडियल गैस निकल कर आ जाएगा फटाफट -फड़ बेटा नोट कर लीजिए अब बेटा हम लोग का अगला कंसेप्ट है एक्सपेंशन इन अ लिक्विड देखो हम लोग सॉलिड में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड की लेंथ में एक्सपेंशन हो सकता है उसके एरिया में उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो सकता है ठीक है क्योंकि सॉलिड के पास अपना एक डेफिनेट शेप है उसके पास लेंथ है के पास एरिया है उसके पास वॉल्यूम है लेकिन बेटा जब बात किसी भी लिक्विड की, की जाती है तो लिक्विड के पास सिर्फ और सिर्फ उसका वॉल्यूम है देगे? तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, कि अगर लिक्विड को हमें हीट करना है तो हम लिक्विड को सिंपली नहीं हीट कर सकते. हमें लिक्विड को पहले कंटेनर में रखना पड़ेगा उसके बाद उस तो क्रॉस करते हुए पहुंचेगी उस लिक्विड के पास यानी कि सबसे पहले एक्सपेंशन होगा बेटा कंटेनर का उसके बाद एक्सपेंशन होने वाला है उस लिक्विड का लेकिन हम लोग को जो एक्सपेंशन दिखाई पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन दिखाई पड़ता है इसीलिए लिक्विड के उस एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन बट जबकि रियल एक्सपेंशन में आप देखेंगे तो कंटेनर भी एक्सपेंड हो रहा है प्लस लिक्विड भी एक्सपेंड हो रहा है राइट right? एक्सपेंशन जो है ऑब्जर्व एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एक्सपेंशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड जो हम लोग को ऑब्जर्व होता है ना लिक्विड का एक्सपेंशन वो है केवल लिक्विड का एक्सपेंशन राइट right, उसमें हम लोग कंटेनर की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यहां पर हम दोनों पढ़ेंगे मतलब देखो पढ़ तो हम वॉल्यूम के लिए ही रहे हैं यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन की ही बात कर रहे हैं बट अपरेंट एक्सपेंशन का मतलब यहां पर होता है सिर्फ लिक्विड के एक्सपेंशन से यानी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई राइज इन देशर क्योंकि गामा का फॉर्मुला होता है ना बेटा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी

रियल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा कंटेनर का एक्सपेंशन दोनों को जब आप ऐड करेंगे कर फॉर्मूले से डिराइव होकर के आता है बेटा कि गामा रियल जो है वो गामा एपेरेंट प्लस गामा ऑफ ग्लास के बराबर होता है क्योंकि आप यहां पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं भाई डेल्टा वी क्या होता है तो ना वी गामा आर इंटू डेल्टा टी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग लिखेंगे वी गामा ए इंटू डेल्टा टी यहां पे हम लिखेंगे वी गामा ऑफ ग्लास इनटू डेल्टा टी क्योंकि वॉल्यूम आप चेक कर लो सभी का सेम है जो लिक्विड का वॉल्यूम है क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम वही होता है भैया जो कंटेनर का होता है राइट तो वॉल्यूम पूरा यहाँ पे सेम है चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है वी और डेल्टा टी पूरे से कॉमन लेके कैंसिल कर दो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास एक रिलेशन आएगा कि गामा रियल जो है वो गामा अपेरेंट प्लस गामा ऑफ ग्लास के बराबर होता है वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है राइट तो ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरी वाली चीजें यहाँ पे लिखी हुई है तो ये सारी थ्योरी आप लोगों को याद होनी चाहिए आपसे सीधे सीधे स्कूल के एग्जामिनेशन में बेटा पूछा जा सकता है इसके बाद कह रहे वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विद टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड देखो हम लोग को पता है एट टेम्परेचर किसी एक टेम्परेचर टी पर अगर मैं किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को ठीक है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अगर वी एज्यूम कर लिया जाए राइट या इसको मैं वी एज्यूम कर लेता हूं चलो तो एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर में अगर मैं डेल्टा टी इंक्रीज कर दूंगा अब उसी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है दैट विल बिकम वी प्लस डेल्टा वी वही हम सबको पता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है बेटा वो इंक्रीज होगा क्योंकि लिक्विड हमारा एक्सपेंड होगा तो वही चीज यहां पर देखने को मिली कि जो वॉल्यूम है वो वी प्लस डेल्टा बी बन गया अब इस डेल्टा वी की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो दैट विल बी वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी बेटा वी कॉमन कर लो वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी दैट बिकेम फाइनल वॉल्यूम ठीक है ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है तो बेटा अगर मैं यहां पे डेंसिटी की बात करूं नाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी अगर हम लोग निकालेंगे इन दिस सिचुएशन डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा राइट डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वी के बराबर था तब इसकी जो डेंसिटी थी तब इस लिक्विड की जो डेंसिटी थी दैट वाज इक्वल टू रो दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम v, ठीक तो बेटा अभी जो इसकी डेंसिटी होगी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, तो दैट विल बी मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हमारा है वन प्लस गामा इंटू डेल्टा T, ये बराबर लाइक like दिस तो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डेंसिटी तो रो डैश को हम लिख सकते हैं डेंसिटी रो अपॉन वन प्लस गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर ये हमारा फॉर्मूला आ गया इसमें भी अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया जाए तो डेंसिटी जो है दैट कैन बी एज रो टाइम्स वन प्लस गामा डेल्टा टी की होल पावर माइनस वन ठीक है यहां पर बेटा हम लोग यूज करने वाले हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बाई यूजिंग बाई यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर यहां पर हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर देंगे तो बेटा यही रो डैश हमारा बन जाएगा रो टाइम्स दिस विल बिकम रो टाइम्स वन माइनस गामा डेल्टा टी दे के बराबर राइट दिस विल बिकम फाइनल डेंसिटी राइट है आई होप आपको

बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि ये जो गामा डेल्टा टी है दिस विल बी वेरी मच लेस देन वन गामा डेल्टा टी वन से बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए ऐसा तभी पॉसिबल है बेटा जब चेंज इन टेम्परेचर कम हो और गामा की वैल्यू तो ऑलरेडी हर एक सब्सटेंस के लिए बहुत ही ज्यादा कम होती है राइट आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी ट जा रहा हूं फटाफट इसको बेटा नोट कर लीजिए दैट इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद द टेम्परेचर नेक्स्ट कंसेप्ट है एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर देखो वाटर कुछ ऐसे रेयर लिक्विड्स में से है जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी सर्टेन टेम्परेचर रेंज में नहीं पाई जाती है कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर को बढ़ाने पर जनरली कोई भी लिक्विड एक्सपैंड करता है लेकिन वाटर एक एक्सेप्शन है जो जीरो से चार डिग्री सेल्सियस तक जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वाटर एक्सपैंड नहीं करता है वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बना करके देखूं तो देखो जीरो से लेकर के चार डिग्री सेल्सियस तक ही इस पॉइंट पर टेम्परेचर आप देखिए कितना है दैट इज फोर डिग्री सेल्सियस चार डिग्री सेल्सियस पर चार डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वॉल्यूम है बेटा वो वॉल्यूम एकदम मिनिमम होता है यानी वन देख लो मीटर क्यूब वन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब यानी वन एम के बराबर होता है तो कहने का मतलब ये है कि जीरो से चार डिग्री पर देखो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है चार डिग्री के बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाएगा ठीक है यानी चार डिग्री के बाद वाटर जो है कोई नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है ठीक इसका एक मतलब और हो गया कि वाटर का जो मिनिम मिनिमम वॉल्यूम है वी मिनिमम वो हमें मिलने वाला है फोर डिग्री सेल्सियस पर और यही कारण है कि चार डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है बेटा वो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है ठीक है सो वॉटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट फोर डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम वॉल्यूम एट फोर डिग्री सेल्सियस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी सिल्वर आयोडाइड में देखने को मिलती है दैट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग बिटवीन एट्टी डिग्री सेल्सियस टू वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस अस्सी से एक सौ चालीस डिग्री सेल्सियस में सिल्वर आयोडाइड में भी यही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जो जीरो से चार डिग्री सेल्सियस में वॉटर में देखने को मिल रही है ठीक है थीके? इसी को एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हम लोग कहते हैं अब आ जाइए अगला एक न्यूमेरिकल है यहां पर कह रहे हैं रेलवे लाइन आर लेड विद द गैप्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन इफ द गैप बिटवीन द स्टील रेल 66 मीटर लॉन्ग यानी कि लंबाई जो है वो 66 मीटर की है बी बी 3.63 सेंटीमीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस देन

तो इस मीटर में आप क्या करो हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दो तो भाई सेंटीमीटर में आ जाएगा राइट देखो सेंटीमीटर में कर लो चाहे इस सेंटीमीटर को तुम मीटर में कर लो यानी कि यहां पे हंड्रेड से डिवाइड कर लो तो ये मीटर में आ जाएगा राइट चाहे यहां पे हंड्रेड मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर में आ जाएगा बात एक ही है अल्फा की वैल्यू बेटा हमें पता है दैट इज इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर टी टू माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो कि है दस डिग्री सेल्सियस तो अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई यस पॉइंट सिक्स थ्री होल डिवाइडेड बाय सिक्सटी सिक्स ये नीचे आएगा ठीक है डिवाइडेड बाय 11 आल्सो। तो इलेवन से भी हमने डिवाइड कर दिया जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव बना इनटू टू टेन टू दी पावर देखो हंड्रेड है और ये टेन की पावर माइनस सिक्स है तो अल्टीमेटली टेन की पावर माइनस फोर नीचे आएगा, की पावर फोर आ जाएगा अब बेटा, जो भी आया है, इसमें अगर टेन की पावर फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिफ्टी आएगा तो दैट इज बेसिकली फिफ्टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टेन तो टी टू की वैल्यू आएगी फिफ्टी प्लस टेन यानी कि सिक्सटी डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर हमें सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तक रेज करना पड़ेगा है ना 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमें रेज करना पड़ेगा तब जाकर के वो जस्ट उस गैप को कंप्लीट कर पाएगा यानी जस्ट दोनों एक दूसरे को टच कर पाएंगी ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था नेक्स्ट देखो क्या है ऑन हीटिंग अ ग्लास ब्लॉक ऑफ 10,000 सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम इसका कितना है दस सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस यानी चेंज इन टेम्परेचर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय सो चेंज इन वॉल्यूम इज 4 सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए देखो अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो पहले आप यहां से गामा निकाल सकते हो क्योंकि तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा इन टू डेल्टा टी तो यहाँ से गामा आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी डेल्टा तो वी हमारा है फोर के बराबर ओरिजिनल वॉल्यूम है भैया दस हजार के बराबर और चेंज इन टेम्परेचर है पंद्रह के बराबर ठीक है तो यहाँ से वैल्यू आई चार बटे पंद्रह चार बटे पंद्रह इज जीरो पॉइंट टू सिक्स 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 इन टू टेन टू दी पावर देखो दस हजार है तो टेन की पावर माइनस फोर एक काम मैं करूं इसको मैं टू पॉइंट सेवन कर दू राउंड ऑफ करके मैंने दस का मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पे दस का डिवाइड करूंगा माइनस फाइव पर डिग्री सेल्सियस ये इसका यूनिट होता है ध्यान रखना राइट ये वैल्यू बेटा गामा की आ गई है अगर गामा की वैल्यू हमें पता है तो हमें गामा और अल्फा में एक रिलेशन पता होना चाहिए वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू थ्री अल्फा तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा निकालना है तो दैट विल बी गामा डिवाइडेड बाय थ्री गामा है 2.67 इनटू 10 की पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री हम लोग और कर देंगे तो ये जो वैल्यू आई है दिस डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो 0.88 0.888 इनटू 10 की पावर माइनस फाइव बन जाएगा अल्फा की वैल्यू तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं जीरो पॉइंट एट नाइन कर सकते हैं राउंड ऑफ करके दस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे मैं दस डिवाइड करूंगा अल्फा की वैल्यू बेटा हमारी निकल कर आ जाएगी राइट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 8.89 नाइन 10 टेन टू दावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस इस तरीके से हम लोग बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगला देखो एक क्वेश्चन है कह रहे सपोज दैट वन अर्ली मॉर्निंग इज डिग्री सेल्सियस अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर जो है दस डिग्री सेल्सियस था ड्राइवर ऑफ एन ऑटोमोबाइल गेट्स हिज गैसोलीन टैंक विच इज मेड ऑफ स्टील ठीक है फिल्ड विद सेवेंटी फाइव लीटर ऑफ गैसोलीन तो एक टैंक है ये मेड ऑफ स्टील है ये स्टील का टैंक है और इस स्टील के टैंक में भैया गैसोलीन भरा हुआ है ठीक है और इसका जो वॉल्यूम है स्टील का वो है पचहत्तर लीटर के बराबर सेवेंटी फाइव लीटर डिग्री सेल्सियस तो भाई ये भी जो है हमारा दस डिग्री सेल्सियस पर ही है स्टील भी और ये गैसोलीन भी ये भी दस डिग्री सेल्सियस पर होगा ठीक है इसका भी वॉल्यूम बेटा अगर देखा जाए तो पचहत्तर लीटर ही होगा क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ है कह रहे हैं ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि दिन में जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है हाउ मच गैसोलीन विल ओवरकम कितना गैसोलीन जो है वो ओवरकम कर जाएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस पर मान लो यहां तक का गैसोलीन जो है वो फिल्ड है यहां तक गैसोलीन बेटा फिल्ड है जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है गैसोलीन में एक्सपेंशन होएगा और गैसोलीन में एक्सपेंशन होएगा भैया स्टील में भी एक्सपेंशन होगा बेटा ठीक है दोनों में ही एक्सपेंशन हो रहा होगा तो हमें बस यही पता करना है कि आखिर कितना गैसोलीन जो है वो बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा ठीक तो आ जाइए सबसे पहले हम लोग आइए निकालते हैं डेल्टा वी यानी कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्टील

और डेल्टा टी करोगे तो 20 डिग्री यानी 30 माइनस टेन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी आइए जो भी है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं 75 फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी चौवन सौ फिफ्टी फोर हंड्रेड इन टू टेन की पावर माइनस थ्री है टेन की पावर माइनस फाइव है तो टेन की पावर माइनस एट मीटर क्यूब ठीक है ये हमारा निकल कर आया कोई बात नहीं इतना स्टील के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा अब डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन निकालते चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन निकालते हैं इन टू डेल्टा टी वॉल्यूम फिर से वही है पचहत्तर लीटर तो इनटू टेन की पावर माइनस थ्री करेंगे मीटर क्यूब में आएगा और गामा फॉर गैसोलीन इज नाइन पॉइंट फाइव टेन की पावर माइनस फोर और चेंज इन टेम्परेचर बेटा वही है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस आइए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं सेवेंटी फाइव इंटू नाइन पॉइंट फाइव सॉरी सेवेंटी फाइव इंटू नाइन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी वैल्यू आ गई है चौदह हजार दो सौ पचास इंटू टेन की पावर माइनस सेवन एक टाइप का बनाने के लिए हमें इसमें दस का डिवाइड तो यहां दस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो चौदह दो सौ पचास एक जीरो हमने और बढ़ाया है तो यहां पे मैं डिवाइड कर सकता हूं इतने मीटर क्यूब ठीक है इतने मीटर क्यों क्योंकि ये भी 10 की पावर माइनस एट में था तो मैंने उसको भी टेन की पावर माइनस एट में कर लिया अब एक बात समझो स्टील में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो चौवन का हो रहा है गैसोलीन में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इतना ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस है ना गैसोलीन बाहर आएगा ठीक है तो कितना गैसोलीन बाहर आएगा सो वॉल्यूम ऑफ दैट ओवर फ्लोज दैट ओवर फ्लोज इज अगर मैं उसको वी लिख दूसोलीन का वॉल्यूम तो दैट विल बी फोर्टीन टू फाइव डबल जीरो इन टू टेन की पावर माइनस एट ठीक है माइनस फिफ्टी फोर हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस एट के बराबर बेटा तो इसमें से इसको मैं घटाने वाला हूं इन टेन ये माइनस फिफ्टी फोर हंड्रेड ये हमारा आ गया वन थर्टी सेवन जीरो जीरो टू टेन की पावर माइनस एट मीटर क्यूब के बराबर इतना गैसोलीन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ओवरफ्लो हो गया राइट अब वन लीटर जो है वो टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब के बराबर होता है है ना देख लेते हैं भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कैलकुलेशन में वॉल्यूम है 75 liters, ठीक है लीटर की पावर मीटर क्यूब ये हो गया, गामा हो गया गया गामा ठीक है ठीक है ठीक है तो वन लीटर जो है वो देखो इतना एक्स्ट्रा गैसोलीन आया जो हमारा ओवरफ्लो होने वाला है तो 1 लीटर अगर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है तो इसमें मैं 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है 137100 10 की पावर -5 लीटर बन जाएगा -5 का मतलब एक दो तीन चार 5 तो बेटा 1.371 लीटर के बराबर हमारा आएगा और देख लो लिखा भी है 1.37 लीटर यही हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है इतना जो है गैसोलीन कर गया देखो पहले जो है वो गैसोलीन एकदम टॉप तक भरा था पूरा पचहत्तर लीटर भरा था अभी कंटेनर में एक्सपेंशन इतना हुआ है और गैसोलीन में एक्सपेंशन ज्यादा हुआ है ठीक है तो जितना कंटेनर में एक्सपेंशन हुआ होगा उतना गैसोलीन और भर जाएगा अब रिमेनिंग जो होगा और ज्यादा जो एक्सपेंशन वो सब बाहर बह जाएगा ठीक है तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग 1.37 लीटर इसका आंसर आ जाएगा अब इसके बाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट हीट का मतलब देखो किसी भी सब्सटेंस में जब आप हीट प्रोवाइड करते हो ना तो वहां पे दो ही काम होता है या तो टेम्परेचर चेंज होता है या तो उसके फेज में चेंज आता है अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वहां पर हीट का एक फार्मूला यूज करते हैं दैट फार्मूला इज क्यू बराबर एम डेल्टा टी देखो बराबर एम सी डेल्टा टी ठीक है अगर टेम्परेचर चेंज है इफ देयर इज टेम्परेचर चेंज देन वी विल ऑलवेज यूज द फॉर्मूलाबर एम सी डेल्टा टी और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है अगर फेज चेंज हो रहा है इफ देयर इज फेज चेंज फेज चेंज का मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो या इसका उल्टा हो रहा हो

अब इसी फॉर्मूले में आप सोचिए अगर मास हमारा वन यूनिट हो जाए

और एसआई uh, यूनिट SI इसका होता है जूल पर किलोग्राम पर कैल्विन। नेक्स्ट है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट यानी सब कुछ सेम रहेगा बस मास की जगह मोल्स हो जाएगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी ठीक है एन सी डेल्टा टी तो आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर ठीक है तो किलोग्राम की जगह अब यूनिट में क्या हो जाएगा मोल यहां भी मोल यहाँ भी मोल ठीक है तो कैलरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस और एसआई यूनिट में है जूल पर मोल पर कैल्फिन ये बात ध्यान रखना नेक्स्ट है बेटा हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई वन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर यूनिट मास की बात नहीं करते हैं यहां पे जितना भी ऑब्जेक्ट है उस तो पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं हम लोग तो जो भी हीट रिक्वायर्ड है उसी हीट को हम लोग हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट ठीक है सो एम मल्टीप्लाइड बाई सी इसी को हम लोग हीट कैपेसिटी का नाम

ठीक है तो वाटर इक्विवेलेंट जो है दैट इज अगेन मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट तो इसको भी एम मल्टीप्लाइड बाई सी कहा जाता है ठीक है लेकिन ये बात ध्यान रखना है इसमें बात हम वाटर का कर रहे हैं इट इज द मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट इज रिक्वायर्ड बाई द गिवन बॉडी और द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर ठीक है देखो दोनों में डिफरेंस है ये जो W है ये W क्या है इट इज मास ऑफ वाटर ये W क्या है दिस इज मास ऑफ वाटर सर ये कहां से आया भैया देखो जितना अमाउंट ऑफ हीट वाटर में रिक्वायर्ड था उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस में रिक्वायर्ड था ठीक है तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी ये तो कैंसिल हुआ देखो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है बेटा वो वन के बराबर होता है

अब अगला है कैलरी मीटर कैलरी मीटर एक डिवाइस होता है बेटा जिसमें हम लोग एक ठंडा ऑब्जेक्ट और एक गर्म ऑब्जेक्ट रखते हैं गर्म ऑब्जेक्ट अपनी हीट देता है ठंडा ऑब्जेक्ट उस हीट को एब्सार्ब करता है सिंपल सा यही कंसेप्ट है कैलरी मीटर का कि भैया हीट गिवन जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू हीट टेकन सो ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलरी मीटर द प्रिपल ऑफ कैलरी मीटर दैट हीट गिवन बाई द कोल्ड हीट गेन्ड बाई द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस बाई द हॉट बॉडी तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो हीट देगा कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो हीट लेगा ठीक है जितना हीट गिवन होगा उतना ही हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलरी मीटर है फटाफट नोट कर डालिए अब बेटा जो अगला कंसेप्ट है हमारे पास वो है चेंज ऑफ स्टेट इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप हीट देते हो तो या तो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज आता है या तो उसके स्टेट में चेंज आता है स्टेट का मतलब वो सॉलिड में है लिक्विड में है या फिर वो गैस में है अगर कभी भी चेंज ऑफ स्टेट होगा यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड तो वहां पर बेटा हीट का फॉर्मूला यूज किया जाएगा क्यू बराबर एम ठीक है अब ये जो एल है ये एल कहलाता है यहां पर लेटेंट हीट इस एल का नाम होता है लेटेंट हीट ये लेटेंट हीट दो तरीके का हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे में इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे में इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन राइट

फिर कह रहे हैं कि एम मास है एल उसका लेटेंट हीट है लेटेंट हीट कॉन्स्टेंट है गिवेन होगा आपको लेटेंट हीट जो है एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस लेटेंट हीट किस पर डिपेंडेंट है उस मटेरियल पर डिपेंडेंट है इट्स वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर लेटेंट हीट जो है वो प्रेशर पर डिपेंडेंट है साथ ही साथ वो मटेरियल पर डिपेंड करता है नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों अब वही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन की बात यहाँ पर डिटेल में किया गया है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का देखो क्या है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है वो मेल्टिंग पॉइंट पर ही होगा है ना सो so, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहा जाता है अगला है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका मतलब है अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दो तरीके का लेटेंट हीट होता है अब यहाँ पर देखो इन कंसेप्ट बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन में हम लोग उसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं स्पीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 किलोग्राम इज प्लेसड फॉर सफिशेंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट स्फीयर इज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो एक समझ लो कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा बॉइलिंग वाटर है इसके अंदर हम लोगों ने एक स्फीयर रखा हुआ है इस तरीके का ये स्फीयर जो है वो एल्यूमिनियम का है ठीक है और यहाँ पर कंटेनर में क्या है वाटर है इस एल्यूमिनियम का जो मास है वो जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन किलोग्राम के बराबर है सो दैट स्पीयर जो है वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर भी हमारा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर है ठीक इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू अंट वन फोर किलोग्राम कॉपर कैलोरी मीटर कंटेनिंग इतने के जी ऑफ वाटर देखो अब इस स्फियर को क्या किया गया एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया गया कैलोरी मीटर में और ये कैलोरी मीटर जो है वो कॉपर का बना हुआ है दिस इज बेसिकली कॉपर कैलरी मीटर ठीक है ट्रांसफर टू जीरो पॉइंट वन फोर तो कॉपर का जो मास है यहां पर वो जीरो पॉइंट वन फोर किलोग्राम है कॉपर कैलरी मीटर कंटेनिंग पॉइंट टू फाइव किलोग्राम वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वाटर जो यहां पर है पहली बात वो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर है और वो 0.25 किलोग्राम वाटर है ये इसमें वाटर है ठीक है हमसे कह रहे टेंपरेचर ऑफ द वाटर राइजेस एंड अटेनस अ स्टेडी स्टेट एट 23 डिग्री सेल्सियस जब ये स्फीयर 100 डिग्री सेल्सियस वाला इसमें उठा करके डालोगे तो ऑबवियस है वाटर का टेम्परेचर राइज़ होगा तो कह रहे वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से राइज़ होकर 23 डिग्री पर जाकर वो फिक्स हो गया है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है तो हमको सी एल्यूमिनियम निकालना है स्पेसिफिक हीट फॉर एल्यूमिनियम हम लोग को निकालना है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बेटा हम लोग को गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी हम लोगों को गिवन है अब देखो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहली बात यह है कि जो स्फीयर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो स्फीयर हॉट ऑब्जेक्ट हो गया तो ये स्फीयर जो है एल्यूमिनियम का ये हीट देगा जबकि यहां पर जो कॉपर कैलरी मीटर है और उसमें जो वाटर है ये दोनों ही हीट ले रहे होंगे राइट right? तो सिंपल है मैं यहां पर कंसेप्ट लगाऊंगा कैलरी मीटर का सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलरी मीटर आप लिख सकते हैं हीट गिवन बाय एल्यूमिनियम स्फीयर इज इक्वल टू हीट टेकन कैलोरी मीटर प्लस प्लस वाटर तो यहां पर हीट देने वाला कौन है बेटा हीट देने वाला है एल्यूमिनियम का स्फीयर कितनी हीट इसने दिया होगा सोचो एमसी डेल्टा टी के बराबर इसका मास कितना है 0.047 किलोग्राम इसका मास है इसका स्पेसिफिक हीट हमें निकालना है सी एल्यूमिनियम निकालना है हमें ठीक है तो एम सी डेल्टा टी कितना होगा चेंज इन सोचो कितना है अभी इसका है 100 डिग्री सेल्सियस और फाइनली ये कितना टेम्परेचर अडॉप्ट करने वाला है 23 डिग्री सेल्सियस के बराबर ठीक है तो फाइनल टेम्परेचर तो इसका भी ट्वेंटी हो जाएगा एस स्टेट पर सभी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा हीट टेकन बाई कॉपर कैलरी मीटर कितना है भाई आइए देखते हैं Uh, कॉपर का जो मास है वो कितना है हमारे पास 0.14 किलोग्राम कॉपर का मास है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर देखो कितना है 0.386 पॉइंट थ्री एट सिक्स इंटू टेन टू दावर थ्री के बराबर ये कॉपर कैलोरी मीटर ने स्पेसिफिक हीट है एम अब इसका डेल्टा टी सोचो कितना होगा इसका पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस का राइट right? और अभी उसका टेम्परेचर 23 हो गया है सो दैट इज 23 थ्री माइनस ट्वेंटी बेटा ध्यान रहे चेंज इन टेम्परेचर चाहिए है ना फाइनल माइनस इनिशियल हम नहीं कर रहे चेंज इन टेम्परेचर हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज टेम्परेचर क्या था भाई पहले हंड्रेड था बाद में ट्वेंटी तो थ्री हुआ ऐसे यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई चेंज कितने का हुआ तो हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे यहाँ पर यह बात ध्यान रखना प्लस प्लस वाटर के केस में देखो जरा कितना हीट वाटर ने लिया है तो वाटर का मास था जीरो पॉइंट टू फाइव के जी के बराबर वाटर का स्पेसिफिक हीट बेटा गिवन है 4.18 4.18 वन इंटू टेन की पावर थ्री जूल पर के जी पर केल्विन ठीक है तो एम सी और वाटर के लिए जो डेल्टा टी है दैट इज अगेन ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी अब कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए उनको ये लग रहा होगा सर ये देखो कैलविन में है सर ये भी देखो सर कैल्विन में है लेकिन आप सर यहाँ टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस है 23 डिग्री सेल्सियस है आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो कैलविन में बेटा एक बात समझ जाओ टेम्परेचर जब कैलविन में निकालना होता है तो हमें टू में डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को एड करना पड़ता है राइट लेकिन जब टेम्परेचर चेंज निकालना होता है तो टेम्परेचर चेंज की जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आती है वही सेम टेम्परेचर चेंज कलविन में भी आता है ये बात ध्यान रखना ठीक है क्योंकि अगर आप हंड्रेड को टू सेवेंटी करोगे तो ये कैलविन में आएगा ट्वेंटी में टू सेवेंटी करोगे तो ये भी कैलविन में आएगा वो टू से वो टू कैंसिल हो जाएगा ये बात ध्यान रखो तो टेम्परेचर चेंज पर बेटा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग तो करते हैं बेटा सिंप्लीफाई जीरो मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड में से अगर आप ट्वेंटी थ्री घटाओगे तो ये सेवेंटी सेवन बचेगा हीस तो ठीक है मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी थ्री माइनस थ्री करेंगे 3 हो जाएगा होल मल्टीप्लाइड बाई टेन क्यूब यानी कि वन थाउजेंड ये बन गया भैया टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर पॉइंट वन एट मल्टीप्लाइड बाई वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री ये बन गया बेटा थ्री वन थ्री फाइव so, तो इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं वन सिक्सटी टू पॉइंट वन टू जो भी आया है उसमें मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट सिक्स वन नाइन तो अल्टीमेटली एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट निकल करके आया है नाइन हंड्रेड इलेवन पॉइंट जीरो फाइव एट जीरो फाइव एट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के बराबर 911 ठीक है तो यहां पर भी देख लो 911 ये किलो जूल है तो आप हजार मल्टीप्लाई करेंगे तो 911 ही आ जाएगा तो अल्टीमेटली तो 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 911 ठीक तो है पॉइंट जीरो फाइव एट तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये बात डिसाइड करना आना चाहिए कौन हीट दे रहा है और बेटा कौन हीट ले रहा है ठीक है अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है उसके बाद का सोलूशन बहुत ज्यादा आसान है और ये टॉपिक ऐसा है कि मैंने एमटेक में भी समझ लो इसके क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने एमटेक में भी लगाए हैं है ना तो ये ऐसा कंसेप्ट है कि आपको आगे बीटेक में एमटेक में हर जगह पर आगे काम में आने वाला है ठीक है चलो नेक्स्ट है बेटा कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस ठीक है एनसीआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में गिवन है हिंट मैं आपको पूरा दे रहा हूँ कैलकुलेट द लेट कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट थ्री किलोग्राम ऑफ आइस एट माइनस डिग्री तो देखो थ्री केजी आइस है ये बेटा माइनस डिग्री सेल्सियस पर है ठीक है केप्ट इन अ कैलोरी मीटर टू स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री की स्टीम में बेटा इसको कन्वर्ट करना है देखो थ्री के का जो आइस है है ना ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा थ्री के ठीक है एट जीरो डिग्री सेल्सियस पर और ज्यादा आप हीट करेंगे तो थ्री के का जो आइस है वो कन्वर्ट होगा थ्री के के वाटर में वो भी जीरो डिग्री सेल्सियस पर और ज्यादा आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्री के वाटर में ठीक है और हीट करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पर और ज्यादा आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 के का स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में आप चेक कर लो हमें यही बनाना था हमें कह रहे हैं कि इसको स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए राइट तो देखो पहले माइनस ट्वेल्व का आइस जो है वो जीरो का आइस बनेगा फिर वो जीरो का वाटर बनेगा फिर वो हंड्रेड का वाटर बनेगा फिर वो हंड्रेड की स्टीम बनेगी अगर स्टीम का और कुछ टेम्परेचर दे देते ढाई सौ डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनाओ तो आगे अभी और उसको हम हीट करते और इतना हीट देते राइट अब देखो इसमें बेटा मान लो Q1 वन हीट गिवेन है इसमें मान लो Q2 टू हीट हमने दिया इधर हमने Q3 हीट दिया इधर हमने Q4 फोर हीट दिया बहुत ध्यान से समझना माइनस ट्वेल्व से जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है बेटा तो ये क्या होगा दिस इज एम सी डेल्टा टी यहां पर देखो जीरो का आइस है जीरो का वाटर है यानी कि एम एल और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसके बाद देखो जीरो से 100, यानी अगेन एम सी डेल्टा टी और यहां पर फिर से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्लियर है अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझना स्पेसिफिक हीट देखो इतने का आइस इतने के आइस में कन्वर्ट हुआ है तो स्पेसिफिक हीट किसका होगा ये आइस का होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आइस यहां पे हमें रखना होगा तो ये किसका हो गया दिस इज फॉर आइस ठीक है लेटेंट हीट जो तुम्हें यहां पे रिक्वायर्ड होगा इतना आइस था वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो ये लेटेंट हीट किसका होगा बेटा आइस का दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ध्यान रखना यहां पर वाटर की बात हो रही है तो स्पेसिफिक हीट वाटर का होगा और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हमारा किसका होगा स्टीम का होगा स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन राइट right? वो यहां पर रख दिया जाएगा फटाफट फड़ सारी वैल्यूज को रख करके आप लोग को सॉल्व करना है टोटल अमाउंट ऑफ हीट आएगा हमारा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर और सबको जोड़ देना है तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से ठीक टोटल हीट रिक्वायर्ड करके सब कुछ ऐड कर डालेंगे और फिर फाइनल आंसर को मैच करेंगे यानी कि एक लाइन में आंसर निकालना है इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हो बट मैं चाहूंगा एक लाइन में करो ठीक है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन ऐसे ऐसे अलग अलग करने की बजाय मैंने तुमको एक लाइन में देखो सॉल्व करना सिखाया तो ये आसान है ये अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा सिंपल लगेगा बस कैलकुलेशन है ठीक है तो ऐसे ही है इसको एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप लोग लोग अब बेटा अगला है मोड ऑफ ऑफ ट्रांसफर हीट यानी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ गए कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है देखो तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब हीट किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है तो इसके बेसिकली तीन मोड होते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों कंडक्शन ठीक है कंडक्शन जनरली सॉलिड में होता है तो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पढ़ो सॉलिड्स ऑफ कंडक्शन सॉलिड जो है वो कंडक्शन के प्रोसेस से बेटा हीट किए जाते हैं लिक्विड एंड आर हीटेड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन कन्वेक्शन ठीक है सॉलिड्स जो है वो कंडक्शन से हीट किए जाते हैं जबकि जबकि लिक्विड्स एंड गैसेस इन दोनों को हम लोग हीट करते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ठीक है तो कंडक्शन कन्वेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया द प्रोसेस ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्स नो इंटरवेनिंग मीडियम रेडिएशन में मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर स्लो प्रोसेस ध्यान रहे ये जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है बेटा ये दोनों ही कैसे प्रोसेस हैं स्लो प्रोसेस है वाइल्ड रेडिएशन इज वेरी फास्ट प्रोसेस रेडिएशन का जो प्रोसेस होता है मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही फास्ट होता है जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है सबसे पहला बेटा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है यहां पर कंडक्शन तो बात यह सर कंडक्शन में क्या होता है देखो कंडक्शन में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करना स्टार्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है कोई एक रॉड है इस रॉड को मैंने यहां से हीट करना स्टार्ट किया एक एंड से तो होता क्या है इस रॉड में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अपने ठीक जैसे जैसे आप हीट करना स्टार्ट करेंगे इन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये सब एक दूसरे में कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है उस कोलिजन की वजह से जो हीट एनर्जी है वो इधर से इधर की तरफ पहुंचेगी यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमेशा इस एंड का रहेगा ठीक है और कंपेरेटिवली टी का जो टेम्परेचर है वो टी से हमेशा कम ही रहेगा यानी कि इधर हाई एंड हाई टेम्परेचर है इधर की तरफ लो टेम्परेचर है ठीक है ये टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा ही रहेगा लेकिन हर एक क्रॉस सेक्शन पर हर एक क्रॉस सेक्शन पर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखोगे तो यहाँ देखोगे तो टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे ठीक है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी पे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा यहाँ का कंपरेटिवली कम होगा यहाँ और कम होगा यहाँ और कम होगा हो बट हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा जब तक टेम्परेचर बढ़ता रहता है बेटा इसको हम लोग वेरिएबल स्टेट बोलते हैं और जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाए मतलब इस क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन सभी का टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट हो जाए अपनी अपनी जगह पर ठीक है बट सेम नहीं होगा इसका ज्यादा फिर इसका फिर इसका फिर इसका सबसे कम इसका राइट right? बट हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए मतलब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाए तो उस स्टेट को स्टीडी स्टेट कहा जाता है राइट right? तो यहां पर जो हीटिंग है हीट इधर से इधर जा रही है बट यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह तक नहीं जा रहे हैं तो कंडक्शन के केस में मोलिकुलर कोलिजन की वजह से हीट का कंडक्शन होता है हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट तो आ जाइए अब बात करते हैं कि भाई दो स्टेट्स हैं पहला एस स्टेट और नहीं पहला था वेरिएबल स्टेट दूसरा है स्टेडी स्टेट वेरिएबल स्टेट का मतलब यह है कि कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है हर एक क्रॉस सेक्शन का बढ़ रहा है और स्टेडी स्टेट का मतलब यह है कि हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो चुका है तो यहां पर दिखा रहे हैं जैसे ये हॉट एंड है ये कोल्ड एंड है एक क्रॉस सेक्शन ये है जिसका टेम्परेचर टी है एक क्रॉस सेक्शन ये है जिसका टेम्परेचर टी है और मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हॉट एंड का होगा फिर टेम्परेचर टी वन होगा फिर टेम्परेचर टी टू होगा और सबसे कम टेम्परेचर जो है वो इस कोल्ड वाले एंड का होगा ठीक है बट स्टिडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे टेम्परेचर अपनी अपनी जगह पर कॉन्स्टेंट हो गए हैं अब ये बढ़ नहीं रहे हैं अब ये कांस्टेंट हो गए हैं तो पढ़िए द टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द रॉड्स आर डिफरेंट दो अलग अलग पार्ट्स का यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग होगा बट टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक पार्ट का जो टेम्परेचर है वो अब कांस्टेंट हो चुका है ठीक है ये इसका मतलब है एवरी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रॉड इज एन आइसोथर्मल सरफेस कह रहे हैं कि हर एक जो ट्रांसफर सेक्शन है वो आइसोथर्मल सरफेस है यानी कि यहां का टेम्परेचर यहां का टेम्परेचर यहां का टेम्परेचर यहां का यहां का ये यह पूरा टेम्परेचर T1 के बराबर है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए इसको मैं नाम दे रहा हूं आइसोथर्मल सरफेस का तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर सरफेस है ऐसे ही यहां का टेम्परेचर यहां का यहां का यहां का यहां का यहां का ये पूरा टेम्परेचर बेटा टी टू के बराबर हो गया इसलिए इसको हम लोग नाम देंगे आइसोथर्मल सरफेस द द डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम हॉट एंड जैसे जैसे आप हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ बढ़ेंगे कम होता चला जाएगा द क्वांटिटी ऑफ द हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन इज कॉन्स्टेंट यहां पर कह रहे हैं अमाउंट ऑफ द हीट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन जो है ठीक है पर यूनिट टाइम जो है वो कॉन्स्टेंट है इसको बेटा नाम दिया जाता है हीट करेंट इसको क्या नाम देते हैं हम लोग हीट करेंट करेंट हीट करेंट को आप एच से डिनोट कर सकते हो एंड दैट सिंपली मीन अमाउंट ऑफ द हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हीट करेंट जो है वो बेटा हमारा कांस्टेंट होता है हीट करेंट यानी हीट की जो वैल्यू है जो हीट यहाँ से जा रही है वही हीट पहले क्रॉस सेक्शन पे पहुंचेगी वही हीट दूसरे पे पहुंचेगी वही हीट अगले नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन पे पहुंचेगी यानी हीट करंट की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो यहाँ पर कांस्टेंट होती है राइट right? नेक्स्ट है थर्मल कंडक्शन में अब देखो एक टर्म पर आया नया जिसका नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन पोजीशन यानी कि टी वन से टी टू के बीच का अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें चाहिए तो दैट इज सिंपली डिफाइंड एज टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एक्स ठीक है T1 वन माइनस टी टू डिड एक्सम्परेचर टी वन यहाँ का T2 टू डिड बाई एक्स टी वन माइनस टी टू डिड बाई एक्स इसी को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है नेक्स्ट है यहां पर अब कुछ लॉज हैं थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए कंडक्शन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या देखो यहां पर अगर देखा जाए तो इधर से इधर की तरफ कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फ्लो कर रही है जितना हीट इधर से फ्लो करेगा उतना ही हीट यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमने इसको क्या किया है एक सरफेस को हमने हीट करना शुरू किया लेटर सपोज ये जो सरफेस हमारा है इस सरफेस का नाम है हॉट सरफेस इस सरफेस का नाम क्या है हॉट सरफेस यानी इधर से हमने हीट देना शुरू किया तो ऑब्वियसली इधर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा ठीक है जैसे-जैसे आप देखेंगे तो ऐसे ही हर एक क्रॉस सेक्शंस का जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक एंड इधर की तरफ भी मैं आपको दिखा रहा हूं दैट इज बेसिकली कोल्ड सरफेस ये वाला जो सरफेस है ना देखो ये ये वाला जो सरफेस है बेटा दैट इज कोल्ड सरफेस तो यहां का टेम्परेचर में टी वन मान ले रहा हूं यहां का टेम्परेचर मैं टी टू अज्यूम कर ले रहा हूं दिस टेम्परेचर लेट अस सपोज दिस इज टी टू एंड दिस टेम्परेचर इज

टी टू टी वन इधर का टेम्परेचर टी टू उधर का है तो टी वन माइनस टी टू के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आपको करना है हीट उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी दिस अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इट इज फ्लोइंग जितने ज्यादा समय के लिए आप इधर से इधर हीट फ्लो कराना चाहते हो ऑब्वियस है हीट उतनी हमें देना पड़ेगा एंड दिस हीट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू से इसके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो डिस्टेंस हमारा एक्स के बराबर है तो जो अमाउंट ऑफ हीट है बेटा वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एक्स है यानी जितना ज्यादा ये बढ़ेगा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कम हो जाएगा ठीक है सो इट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ब्लॉक एंड इट डिपेंड्स

वन माइनस टी टू स्मॉल हमारे पास फॉर्मूला बन गया अमाउंट ऑफ हीट का कि भाई कितना इधर से उधर की तरफ फ्लो कर रहा है ये उसका फॉर्मूला बन गया राइट right? ये उसका फॉर्मूला अब यहां पर एक चीज समझो ये अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग है ये टाइम है अगर टाइम को मैं इधर ले आऊ नीचे बात समझना टाइम को अगर मैं इधर ले आऊ नीचे ठीक है तो यही टर्म तुम्हारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का Q बाई टी जिसको हम हीट करंट कह सकते हैं तो हीट करंट की वैल्यू आ जाएगी के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स ये सेपरेशन को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज डेल्टा एक्स ठीक है तो एक जैसा फॉर्मूला बन जाएगा दिस एच इज नोन एज हीट करेंट जैसे तुमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा ना इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम तो वैसे ये ही है हीट फ्लोइंग अपॉन अपॉन टाइम टाइम हीट इसी को नाम दिया जाता है बेटा हीट हीट करंट करंट का दैट इज नोन एज के ए डेल्टा डेल्टा टी एक्स अब यहां पर अगर तुमसे कोई पूछे कि सर ये के क्या है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट था ये के क्या है सर ये के बेटा कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी के क्या कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी तो हम लोग अब उसी की डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि सर ये क्या चीज है तो आप पीछे देखो यहां से हम लोग के को लिख सकते हैं के इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए टी वन माइनस टी टू इन टाइम टी अब इसके डेफिनेशन को आप पढ़िए कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटीरियल मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम यानी कि सबसे पहली बात क्या किया हमने टाइम को कितना कर दिया वन यूनिट पर यूनिट टाइम ठीक है थ्रू अ यूनिट क्यूब ऑफ मटीरियल यूनिट क्यूब मतलब एरिया भी कितना हो गया बेटा वन स्क्वायर यूनिट एरिया भी वन स्क्वायर यूनिट हो गया भाई When opposite faces are kept at temperature difference of one degree, ऑफ कि ये जो temperature difference है ये भी कितना हो गया हमारा वन degree Celsius या वन Kelvin के बराबर right? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप समझो एक बात आप समझो अगर ये एक cube हमने consider किया तो इसका area भी वन unit हो गया और ये जो separation है भाई क्यूब का फिर साइड लेंथ हो गया ना एक्स ये भी कितने के बराबर हो गया बेटा यूनिट के बराबर अब सोचो ये यूनिट है तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग क्यू लिख सकते हैं यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ठीक है क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट क्यूब ऑफ अटेरियल वेन इट अपि वो वन यूनिट के टेम्परेचर डिफरेंस पर हो टी वन और टी टू में डिफरेंस हो ये चार डिग्री तो पांच डिग्री ऐसा डिफरेंस हो केवल वन डिग्री का अगर डिफरेंस हो तो ऐसे केसेस में बेटा और एक क्यूब कंसिडर कर लिया जाए तो अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर्ड जो है वही हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के कहलाता है ठीक है अब देखो यहां से फॉर्मूला क्या बना फॉर्मूला बना हीट करेंट का जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है हीट करेंट विच इज इक्वल टू के ए डी टी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डी एक्स के ए डी टी बाई डी एक्स इसको तुम थोड़ा और अच्छे से लिखो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं के ए टी अपॉन डीएक्स ठीक है देखो हम लोगों ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा क्या फॉर्मूला पढ़ा सबसे पहले इसको अगर आप देखो तो ये एच को हम लोग हीट करेंट कहते हैं है ना तो हम लोगों ने सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज है ना यानी कि अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम यानी कि डी क्यू बाई डी टी और यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज हीट करेंट हीट करेंट को मैं यहां पर एच से डिनोट कर रहा हूं एंड दैट इज अमाउंट ऑफ द हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यानी एक जैसी चीजें हैं दोनों ठीक है सबसे पहली बात इसको यहां पर ध्यान देना दूसरी चीज आपको मैं और याद दिलाऊं ओम्स लॉ का ओम स्लॉ में आपको याद दिलाऊं लॉ कहता है बेटा वी बराबर आई आर होता है ठीक या फिर मैं कहूं कि करंट जो है वो वी अपॉन आर के बराबर होता है जहां पर ये जो वी है बेसिकली ये डेल्टा वी होता है क्योंकि ये वी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस दिस इज वॉट दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होता है बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है अदरवाइज वो फ्लो नहीं होगा और इस आर को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और ये हमारा आई जो है दैट इज इलेक्ट्रिक करेंट राइट दिस आई इज इलेक्ट्रिक करेंट अब अगर जो पीछे हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने देखा एच इज इक्वल टू के एवर डीएक्स ठीक है एच क्या है हीट करंट है इज इक्वल टू इसी डी टी बाई डी एक्स को ही हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं ये जो डी टी बाई डी एक्स है इसी को क्या नाम दिया जाता है दिस इज टेम्परेचर दिस इज टेम्परेचर ग्रेडिएंट अभी हम लोग उसको पीछे पढ़ भी चुके हैं टेंपरेचर ग्रेडिएंट अब एक बात समझो हीट करंट का फ्लो होता है बेटा जब टेंपरेचर डिफरेंस हो हीट करंट तभी होगा जब वहां पे टेंपरेचर डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक करंट तभी होगा जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा राइट इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पांसिबल कौन है पोटेंशियल डिफरेंस और हीट करंट के लिए रिस्पांसिबल कौन है टेंपरेचर डिफरेंस तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हीट करेंट टेम्परेचर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द हीट करेंट अच्छा यहां पर एक चीज मैं आपको और कंपेयर करके अगर दिखाऊं. जैसे जैसे बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बराबर है बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग भी लिख सकते हैं कि भाई हीट करंट जो है दैट इज इक्वल टू डी टी अपॉन डीएक्स अपॉन के ए बहुत ध्यान से देखना भाई जो के ए ऊपर था मैंने नीचे भेजा इस फॉर्म में लाने के लिए यहां पे क्या होता है ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें ऊपर क्या चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस नीचे अगर है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे नीचे ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या नाम देंगे दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां से तुमको एक डेफिनेशन और मिल हीट करेंट जो है वो करंट जो है वो चेंज इन टेचर अपॉन थर्मल बराबर होता है upon thermal resistance. और डेल्टा एक्स अपॉन के ए है X Ka, delta X Ka, ना ये एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स क्या था दैट वॉज बिटवीन द टू प्लेन्स राइट सो एच इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर टी है ना तो ये सारी बात आपको बेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए इसका फील आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए इस पर आपसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब इसके बाद बेटा कन्वेक्शन रेडिएशन में थ्योरिटिकल चीजें काफी ज्यादा हैं तो कन्वेक्शन क्या है इस बात को समझिएगा इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोस फ्रॉम वन रीजन ऑफ हाईर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ द लोअर टेम्परेचर बाई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटीरियल पार्टिकल्स कन्वेक्शन के केस में बेटा मटीरियल पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअली मूव करते हैं जैसे अगर हम लोग एक कंटेनर ले लें और इस कंटेनर को नीचे से हीट करना आप शुरू करेंगे तो वाटर की बात अगर मैं करूँ यहाँ मान लो वाटर भरा है इस लेवल तक तो होता क्या है जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो नीचे का वाटर है वो हीट होगा जब वॉटर हीट होगा तो बेटा उसकी डेंसिटी कम होगी ठीक है डेंसिटी जब कम होगी तो हल्का वाटर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला भारी वाटर नीचे आएगा यानी कि नीचे से जो वाटर है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाटर था वो नीचे आएगा यानी कि यहाँ पर वाटर का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कन्वेक्शन कन्वेक्शन दो तरीके का होता है सबसे पहला है नेचुरल कन्वेक्शन ठीक है और दूसरा होता है बेटा फोर्सड कन्वेक्शन नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब है इफ द मटेरियल मूव ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी यहां पर जो मटेरियल नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहा है दैट इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस कि जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा तो अगर मटेरियल जो है वो डेंसिटी डिफरेंस या फिर प्रेशर डिफरेंस के कारण ठीक है मूव करते हैं द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन नेचुरल कन्वेक्शन अराइजेज ड्यू टू अनईक्वल हीटिंग एंड ग्रेविटी अन इक्वल हीटिंग की वजह से नीचे वाले को आप ज्यादा हीट कर रहे हो जल्दी हीट कर रहे हो तो वो जल्दी से जो है उसकी डेंसिटी कम हो रही है तो ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा ठीक है अनइक्वल हीटिंग की वजह से ये क्रिएट होता है हियर मोर हीटेड एंड लेस डेंस पार्ट ऑफ द फ्लूड राइज एंड आर रिप्लेस बाय द कूलर पार्ट ठीक है जो ज्यादा हीटेड है जिसकी डेंसिटी कम है ऊपर जाएगा और भारी वाला नीचे आएगा नेचुरल कन्वेक्शन इज़ फॉर द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विंड इन दै एटमोस्फियर अलग अलग तरह की जो विंड है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कन्वेक्शन कौन सा है बेटा दैट इज दिस नेचुरल कन्वेक्शन अगला है फोर्ड कन्वेक्शन इट इज हीटेड मटेरियल हिटेड मटेरियल इज फोर्ड टू मूव बाई एन एजेंसी लाइक अ पंप और ब्लोअर यानी किटेरियल को अगर हम जबरदस्ती मूव कराए कोई पंप लगा दे ब्लोअर लगा दे ठीक है द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड फोर्ज कन्वेक्शन एयर कंडीशनिंग सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हीटिंग ऑफ अ लिक्विड बाई द ब्रिस्क स्टियरिंग एट द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्ज कन्वेक्शन यानी कि अगर आप बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसको मूव कराने के लिए तो उसको फोर्ज कन्वेक्शन कहेंगे अगर ये डेंसिटी डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस के कारण अपने आप हो रहा है तो उसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन का नाम दे रहे हैं

टे रिमार्केबल कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर हम लोग के बॉडी में जो हार्ट है वो पंपिंग करता रहता है वो पंप की तरह करता है तो हमारे बॉडी में फोर्सन हार्ट काम करना बंद कर दे तो ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा राइट अगला है इन मेंटेनिंग कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर इन कोल्ड कंट्रीज तो इसको पढ़िएगा बिल्कुल सेम तरीके का है इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ नेच

टूवर्ड्स द इक्वेटर जो पोलर रीजन में जो एयर है जहां पर बर्फ जमी रहती है एयर बहुत ठंडी है वो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ठीक है लो डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा दीज विंड्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स ऐसी winds को बेटा ट्रेड विंड्स नाम दिया जाता है ठीक है कि इक्वेटर वाले रीजन से जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और ऊपर से जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी तो इस तरीके से ट्रेड विंड लैंड एंड सी ब्रीज ठीक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सैरफार लाइन का है पढ़िएगा आप लोग नेक्स्ट है बेटा मॉनसून कैसे होता है इसको भी आप लोग पढ़ेंगे दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट आप लोगों से एक नंबर या दो नंबर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है कि इनके बारे में बताइए अब इसके बाद बेटा काफी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है रेडिएशन देखो सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं ध्यान रखना जो फॉर्मूले मैंने सिखाया थर्मल कंडक्टिविटी क्या है थर्मल रेजिस्टेंस क्या है ठीक है ये सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं उसके बाद कन्वेक्शन में सिर्फ थ्योरी है रेडिएशन में भी सिर्फ थ्योरी है ये थ्योरी देखिए क्या है रेडिएशन क्या है इट इज द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरमीडिंग

अब यहां पर रिफ्लेक्टेंस एब्सॉर्स और ट्रांसमिटेंस की बात कर रहे हैं व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन अवर बॉडी दे आर पार्टली रिफ्लेक्टेड एब्सॉर्ब और ट्रांसमिटेड जब हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उसका कुछ पार्ट अगर टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्यों गिरा है कुछ पार्ट रेडिएट होगा कुछ एब्जॉर्ब होएगा और कुछ बेटा ट्रांसमिट हो जाएगा ठीक है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर क्यू है तो टी प्लस ए प्लस आर के बराबर रेट है ना आर ए टी के बराबर हो जाएगा ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू क्यू का अगर आप डिवाइड करो तो ये आर बाई क्यू है यानी कि रेडिएटेड हीट अपॉन टोटल हीट एब्सॉर्ब हीट अपॉन टोटल हीट ट्रांसमिटेड हीट अपॉन टोटल हीट इसी को बेटा नाम देते हैं हम लोग इसी को नाम क्या दिया जाता है रिफ्लेक्टेंस uh, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस राइट right? इन तीनों का सम हमेशा वन के बराबर होता है राइट right? एकदम सिंपल चीज है इसके बाद देखो रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि जो सरफेस है उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसका नेचर कैसा है और साथ ही साथ जो इंसिडेंट वेवलेंथ है बेटा उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है हाउ एवर दीज क्वान्टिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी ठीक है बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है सरफेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है मटेरियल पर नहीं सरफेस पर डिपेंडेंट होता है हेंस फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ अ गिवन बॉडी में हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्लेक्टेंस एब्सॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस

वेवलेंथ के लिए बेटा बात हो गई इनका भी सम वन के ही बराबर होता है अब यहां पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जैसे एब्जॉर्बिव पावर क्या है एब्जॉर्बिव पावर का मतलब क्या है जरा पढ़िए बॉडी फॉर गिवन वेव लेंथ इज डिफाइंड एज द रेश अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी टाइम टू द टोटल इंसिडेंट ऑन इट एट दिन लेमडा यानी अमाउंट ऑफ हिट एब्सॉर्ब डिडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर पर्टिकुलर वेव लेंथ इज डिफाइंड एज एब्सॉर्टिव पावर कह रहे इट इज डिनोटेड एज ए लेमडा इसी को हम लोग ए लेमडा से डिनोट करते हैं एब्सॉर्ब्स ऑल हीट रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो हर तरह के रेडिएशन को अपनी तरफ बेटा एब्सॉर्ब करती है तो उसके लिए इसी ए लेमडा की वैल्यू जो है वो वन के बराबर होती है तो इट्स एब्सॉर्बिव पावर इज ऑलवेज इक्वल टू वन अगला है बेटा इमिसिव पावर इमिसिव पावर तो आप समझ ही रहे होंगे की एनर्जी को इमिट करने की पावर क्या है तो अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी पर सेकंड डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है सरफेस एरिया जितना ज्यादा ठीक है इमिशन भी उतना ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है सराउंडिंग के और सरफेस के ठीक है अगला है नेचर ऑफ इट्स सरफेस द द स्ट्रेंथ ऑफ इज बाय द क्वांटिटी कॉल्ड कॉल्डिव पावर कितनी एनर्जी इमिट हो रही emissive पे है एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट गिवन टेम्परेचर एंड फॉर गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम

ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना ट्रांसमिट करेगा जो भी रेडिएशन आएगा पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा राइट

हर तरह के वेवलेंथ को इमिट करना स्टार्ट कर देगी ठीक है अब यहां पर लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक लैम्प ब्लैक प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड जो सरफेस है वो 95 से 97 परसेंट तक इंसिडेंट रेडिएशन को एब्सॉर्व करने का काम करती है बट ऑन हीटिंग इट डज नॉट इमिट फुल रेडिएशन स्पेक्ट्रम सो इट एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी ओनली फॉर द द ऑफ हीट रेडिएशन केवल एब्जॉर्ब कर रही है 95 से 97 बट नहीं कर रही है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कोई खास एग्जांपल तो नहीं है लेकिन केवल एब्जॉर्बन के लिए अगर बात किया जाए तो लैम्प ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक को हम लोग ब्लैक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं अब इसके बाद कह रहे हैं इमिसिविटी क्या होती है इमिसिविटी का मतलब क्या है रेशियो ऑफ द हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम ठीक है 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 तो e by capital e. ये जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन ये जो है वो उस ब्लैक बॉडी के लिए है राइट तो इसी रेशियो को बेटा इमिसिविटी कहा जाता है ठीक है इट्स रेशियो इज एमसिव पावर ई ऑफ द बॉडी ठीक है टू दिव पावर ई ऑफ द Its value lie and से के बीच में होगा इमेसिविटी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए वन के बराबर होता है इमेसिविटी ऑफ पॉलिस्ड कॉपर पॉलिस्ड एल्यूमिनियम लैंप ब्लैक के लिए पॉइंट

रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्सॉर्बिव पावर एट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्सॉर्टिव पावर करस्पोन्डिंग टू सर्टेन वेवलेंथ लेंथ इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल बॉडीज एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज इमेसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी कि इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्बिव पावर फॉर सर्टन वेव लेंथ इज इक्वल टू द इमेसिव पावर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ठीक है एट दैट तो ई लेमडा अपॉन ए लेमडा इन दोनों का जो रेशियो है वो कैपिटल ई लेमडा कहलाता है जो कि एक कांस्टेंट है किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए इसके बाद अगेन नेक्स्ट लॉ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट देखो पीछे वाले इस लॉ में केवल आपको लैंग्वेज याद करनी है ये फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए ई लेमडा अपॉन ए लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल ई लेमडा राइट right? यहां पर स्टीफन बोल्डमैन लॉ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बेटा है पढ़िए दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल हीट एनर्जी परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर टोटल अमाउंट ऑफ द हीट टोटल देखो ये जो ई क्या है दिस इज नॉट एनर्जी दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट सरफेस किसी भी बॉडी से जितनी एनर्जी इमिट होती है यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की पावर फोर राइट right? तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा एक कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा वो यहां सिग्मा सिग्मा होता है सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन बोल्डमेन्स कांस्टेंट राइट स्टीफन बोल्डमेन्स कांस्टेंट को ही हम लोग कुछ इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो ठीक है ये जो ई e क्या था दैट वाज अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है अभी क्या कह रहे हैं अगर एच को हम लोग रेट ऑफ द रेडियंट एनर्जी मान लें यानी कि इसको हम लोग मान लें बेसिकली दिस एच का मतलब हीट करेंट हो गया ठीक है या आप इसको अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम आप मान लीजिए ठीक है इट इज द रेट ऑफ द रेडियंट एनर्जी इमिटेड बाई द ब्लैक बॉडी फॉर सर्फेस एरिया ए देन स्टीफन बोल्डमेन्स लॉ टेक्स दिस फॉर्म ठीक है ये जो ई है ये ई क्या है दिस इज अमाउंट ऑफ द हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ठीक है अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं एच है ना तो ई e बराबर एच अपॉन ए हो जाएगा ध्यान रखे ई e क्या है दैट इज एच अपॉन ए तो यहां से आप लिख सकते हैं एच की वैल्यू इंटू ए ठीक है ये जो ई आया इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दो तो ये एच बन जाएगा और इसी एच को हम लोग नाम क्या देंगे दिस एच इज नोन एज हीट करेंट क्लियर यहां पर सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्डमैन कांस्टेंट है और स्टीफन बोल्डमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखिए 5.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू की पावर माइनस एट ठीक है तो 5.67.8 सिक्स सेवन एट चारों नंबर आ गए याद रखना आसान है ठीक है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर फोर वो आप यहां से चाहे यहां से किसी भी एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं सिंपल है सी जी यूनिट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वन जूल टेन की पावर सेवन अर्ग के बराबर है तो इसको अर्ग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है मीटर स्क्वायर जो है वो टेन की पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है ये भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं ये दोनों कन्वर्जन करोगे टेन की पावर माइनस फाइव में कन्वर्ट होकर आ जाए काम राइट right? अब इफ अ ब्लैक बॉडी इज इन एन एनक्लोजर एट टेम्परेचर टी नॉट अगर कह रहे हैं ब्लैक बॉडी किसी एक सराउंडिंग में है जहां का टेम्परेचर टी नॉट है देन रेट एट अ ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम द एनक्लोजर इज सिग्मा टी की पावर फोर ठीक है सिग्मा टी की टी नॉट की पावर फोर अगर आसपास का टेम्परेचर टी नॉट है तो सिग्मा टी नॉट की पावर फोर देर फोर नेट लॉस ऑफ द एनर्जी बाई द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम इज देखो, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा यहां पर आपको यह बात बताई जा रही है कि जैसे कोई ब्लैक बॉडी है जो कि टी टेम्परेचर पर है अगर वो टी टेम्परेचर पे है तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है वो सिग्मा टी की पावर फोर होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर टी नॉट है तो सराउंडिंग एनर्जी को एब्सोर्ब कर रहा होगा तो हीट जो ब्लैक बॉडी वो एनर्जी देगी सराउंडिंग जो है जो आसपास है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग कितना एनर्जी करेगा सिग्मा टी की पावर के बराबर तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई बेटा मतलब ब्लैक बॉडी ने तो इमिट किया लेकिन सराउंडिंग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया राइट सो दैट विल बी सिग्मा टी की पावर फोर माइनस सिग्मा टी नॉट की पावर फोर इन दोनों का डिफरेंस तो कह रहे हैं नेट लॉस ऑफ एनर्जी देखो इज नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ध्यान रहे बार बार ये ई e जो है इस ई e का यूनिट क्या है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इस बात को ध्यान रखिएगा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर राइट ये इसका यूनिट है यहां पर नेक्स्ट है बेटा अब यहां पर इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कह रहे हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट रेट ऑफ दिस गिवेन सिग्मा एज दिस ठीक है तो एनर्जी का फॉर्मूला है सिग्मा टी की पावर फोर राइट तो so, यहां पर हमसे वही टेम्परेचर ही पूछ रहे हैं है ना कैलकुलेट द टेम्परेचर तो दैट विल बिकम ई अपॉन सिगमा तो यहां पर इस एनर्जी को आप जरा चेक करो क्या है ये जो ई e लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या होता है दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ठीक है तो एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो पावर है पावर को वॉट में लिख सकते हैं तो ये बेसिकली पावर अपॉन एरिया हो गया यानी कि सही है तो इसकी जो वैल्यू है वो फाइव पॉइंट सिक्स सेवन आ गई राइट डिवाइडेड बाई सिग्मा की वैल्यू कितनी है बेटा फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस एट देखो एक बात और समझो ये गिवेन है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये गिवेन है बेटा हमें मीटर स्क्वायर में ठीक है अगर ये मीटर स्क्वायर में है तो हमें क्या देखो वो भी पर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ टेन की पावर फोर जब करेंगे तब ये सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा राइट है तो यहां पे हमें टेन की पावर माइनस फोर से अभी मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये ये कैंसिल होगा T की पावर फोर जो है उसकी वैल्यू आएगी टेन की पावर ट्वेल्व के बराबर यानी टेम्परेचर निकल कर आएगा टेन की पावर थ्री केल्विन के बराबर यानी 1000 थाउजेंड का टेम्परेचर होना चाहिए 1000 थाउजेंड राइट है आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी अगला है अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर रेडिएशन में ना कुछ चार पांच लॉज हैं उन चार पांच लॉज में से कोई एक या दो आपसे सौ परसेंट पूछा जाएगा क्रच लॉ की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये जो पढ़ने चल रहे हो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अब न्यूटन बाबा यहां पर आए न्यूटन साहब ने देखो क्या बताया इन्होंने कहा द रेट एट विच अ बॉडी लॉसेज हीट बाई रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सपोज सर्फेस ऑल्सो इन्होंने कहा कि बॉडी जिस तरीके से हीट रेडिएट करती है ये बॉडी के अपने टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है सराउंडिंग के भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और उसके बाद नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी का कितना पार्ट ओपन है

माइनस डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या है कि दिस इज रेट ऑफ कूलिंग अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम ठीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट जहां पे टी बॉडी का टेम्परेचर और टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है राइट right? नेक्स्ट है बेटा स्टीफन लॉ होल्ड्स फॉर ऑल टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी स्टीफेंस लॉ हमेशा वैलिड है बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल ओनली वेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी इज वेरी स्मॉल ये बात ध्यान रहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप सिर्फ तब लगाएंगे जब ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा जबकि आपका स्टीफेंस लॉ जो था वो हमेशा हर हाँ टेम्परेचर के लिए अप्लाई हो सकता है ठीक है किसी भी टेम्परेचर के लिए स्टीफन लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब न्यूटन बाबा ने क्या कहा इस बात को समझो न्यूटन ने यह कहा कि भाई टेम्परेचर डिफरेंस जो था बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग में ठीक है तो यहां से उसने बॉडी का टेम्परेचर निकाला तो बॉडी का टेम्परेचर जो टी है दैट इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी है ना टी की वैल्यू यहां से निकालो दैट इज टी नॉट प्लस डेल्टा टी के बराबर तो उन्होंने यह कहा कि भैया जो एनर्जी लॉस हो रही है ई है ना उन्होंने कहा जो एनर्जी लॉस हो रही है ठीक है इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा टी टी की की पावर पावर माइनस नॉट ठीक है अब उन्होंने कहा देखो उन्होंने कहा फ्रॉम स्टीफेंस लॉ ई बराबर ई e बराबर जिसको मैं माइनस क्यू बाई टी भी लिख सकता हूं यानी रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मैं कह सकता हूं विच इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स टी की जगह टी नॉट प्लस डेल्टा टी ले सकते हैं तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर राइट निगेटिव साइन यहां पर इसीलिए क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है तो माइनस क्यू बाई टी जो है वो सिग्मा टाइम्स यहां से अगर आप टी नॉट कॉमन करोगे तो बेटा क्योंकि पावर में फोर है तो टी नॉट की पावर फोर कॉमन आएगा तो वन प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट होगा वन तो प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर अब यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन कहता है ना वन प्लस एक्स की पावर एन वन प्लस एन एक्स बन जाएगा तो ये बनेगा टी नॉट की पावर फोर ये वाला वन प्लस ये फोर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो फोर टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी नॉट बाकी ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे माइनस टी नॉट तो आप देख सकते हैं ये जो टी नॉट की पावर फोर है और ये वाला जो टर्म है जब अंदर आएगा तो ये भी तो टी नॉट की पावर फोर बनेगा दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल तो सिर्फ ये टर्म बचेगा तो ये बनेगा देखो सिग्मा ये रहा ठीक है फोर देखो ये रहा ठीक है और टी नॉट टी नॉट कैंसिल होगा टी नॉट क्यूब बनेगा और डेल्टा टी तो ये रहा डेल्टा टी ये रहा टी नॉट का क्यूब राइट right? ये वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू बाई टी की निकलकर आई अब यहां पर देखो यहां पर वो जो बाकी सारी चीजें थी यानी ये फोर सिग्मा और ये जो टी नॉट क्यूब है ये सब कांस्टेंट है भाई सिग्मा क्या है है कांस्टेंट टी नॉट क्या है भैया सराउंडिंग का टेम्परेचर है ये सारी चीजों को अगर मैं कांस्टेंट मान लू कह रहे हैं सिंस टी इज स्लाइटली ग्रेटर देन नॉट स्लाइटली ग्रेटर देन नॉट है अगर तो ऐसे में माइनस क्यू बाई टी को मैं क्या मान सकता हूं इन सबको एक कॉन्स्टेंट मानो माइनस टी के टाइम्स डेल्टा टी ठीक है डेल्टा टी मतलब क्या है चेंज इन टेम्परेचर जहां पर वो जो के था वो के कितना है फोर सिग्मा टी नॉट की पावर थ्री के बराबर ये वो कांस्टेंट हो गया तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि माइनस क्यू बाई टी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है कि माइनस क्यू बाई टी जो है माइनस क्यू बाई टी जो है वो के टाइम्स डेल्टा टी के बराबर है जहां पर के जो है वो फोर सिग्मा टी नॉट क्यूब के बराबर है रेट ऑफ ऑफ लॉस द हीट फ्रॉम द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स बॉडी और सराउंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट तो ये जो डेरिवेशन है छोटा सा तीन चार लाइन का ये डेरिवेशन बेटा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कई बार हमसे कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव करो स्टीफेंस लॉ से तो स्टीफेंस लॉ आपको पता है वो होता है कि भाई ई प्रपोर्शनल टू टी की पावर फोर यानी ई e बराबर सिग्मा टाइम्स टी की पावर फोर ठीक है तो स्टीफन बोल्डमैन लॉ का यूज करके हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को बेटा डिराइव कर सकते हैं अब इसी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को थोड़ा सा और एक्सपैंड किया जा रहा है क्या देखो हमसे ये कह रहे हैं कि माइनस डी टी जो है वो K T T0 के बराबर होता है दैट इज रेट ऑफ कूलिंग राइट हमसे ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर बॉडी ने कुछ एनर्जी दी है बॉडी कूल cool हुई है तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ होगा तो डी क्यू जो है वो एमसीडी के बराबर होगा ठीक है डी क्यू जो है

ठीक है दोनों का मैंने यूज किया तो डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट एक तरफ करो के एम सी वाला टर्म इधर भेजो माइनस इधर भेजा डी टी यहां रखा हुआ है ये जो k अपॉन एम सी वाला टर्म है ये k कांस्टेंट था हमारा m और c भी कांस्टेंट है m ऑब्जेक्ट का मास है c उसकी स्पेसिफिक हीट है ये पूरे को एक नया कांस्टेंट कैपिटल k लिख दिया गया तो बेटा डी टी t टी माइनस टी नॉट है इसी को हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे ही आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा ये हमारा बनने वाला है लॉग ठीक है लॉग वाला टर्म यहां पर बन जाएगा मैं आपको मैं आपको यहां पर इंटीग्रेट करके यहीं पर दिखा रहा हूं देखो ठीक है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे ही आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा डी टी अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो लॉग टी होता है तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा टू माइनस कैपिटल के बाहर करेंगे आप और यहां पे लग जाएगा ये टी ठीक है डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है टी के बराबर एंड दिस अगर इनडेफिनेट हम कर रहे हैं तो हम इसमें प्लस सी भी यहां पर लिख देंगे तो आप चेक कर लीजिए यहां पर वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है एल एन टी माइनस टी नॉट देखो एल एन का मतलब होता है ना नेचुरल लॉग एल एन को ही हम लोग बोलते हैं लॉग एट बेस ई जैसे लिखा है एल एन ए इसका मतलब है लॉग ऑफ ए एट बेस ई इसी को नेचुरल लॉग ऑफ ए बोलते हैं तो एल एन टी माइनस टी नॉट बराबर माइनस के टी प्लस सी तो t माइनस अच्छा ये लॉग की एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर लिखा हुआ है लॉग ऑफ a एट बेस b बराबर c तो इसको मैं लिख सकता हूं b की पावर c बराबर a ठीक है b की पावर c बराबर a तो ऐसे ही मैंने यहां पे लिखा है बेटा e की पावर में माइनस के टी प्लस सी लाएंगे दैट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट राइट तो t बराबर टी नॉट प्लस ई की पावर c e की पावर माइनस के टी ये ये वाला टर्म है लिख सकता हूं ना e की पावर माइनस के टी इन टू ई e की पावर c वही लिखा हुआ है e की पावर c एक नया कांस्टेंट है इसको कैपिटल c नाम दे दिया गया तो कुछ इस तरीके का एक फॉर्मूला हमारा बन गया ठीक है हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो चीज है ये और ये ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बता दिया है थोड़ा सा जेई नीट के लेवल की बात हो गई जेई के लेवल की बात हो गई ठीक है ये आपके स्कूल में अगर पढ़ाया गया है तो ही आपसे इसकी बात करेंगे अदरवाइज आपसे इसकी बात नहीं किया जाएगा इससे ये पता चलता है जैसे जैसे ये टी बढ़ेगा जैसे जैसे बेटा टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का वो कम होता चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट कूल होता चला जाएगा टेम्परेचर लगातार आप घटाते चले जाएंगे ठीक है अब यहां पर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं बॉडी बॉडी कूल्स इन मिनट फ्रॉम डिग्री डिग्री टू 40 सेल्सियस जो है 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल हुआ है सात मिनट में व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट सेवन मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं कि अगर वो सात मिनट में 60 से 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो गया तो अगले सात मिनट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉडी का अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दस डिग्री सेल्सियस है तो और कह रहे हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आप यहाँ पे बढ़िया से लगा सकते हो राइट तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये वाला जो समझ लो लाइन है ठीक है ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करेंगे ठीक है इसको यूज करेंगे बस इसमें देखो एम सी डी टी वाई डी टी ये टी रिक्वायर्ड होगा ये टी क्या है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको इसका हिंट दे दे रहा हूँ दिया नहीं है तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी को तुम एवरेज मान लो 60 से अगर 40 हुआ है तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी आप इसका एवरेज मान लीजिए दैट प्लस फोर्टी बाई टू यानी कि ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉडी का टेम्परेचर रहा होगा ये हमारा क्या है अजम्सन है दिस आर टी जो कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी वो मैंने यहां निकाल दिया तो आप लोग देख सकते हैं एम सी टी वन माइनस टी टू अपॉन टाइम टी के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो इसका यूज आप दो बार करेंगे ठीक है सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है आप लोग कहते हैं ना सर कुछ कुछ होमवर्क में दे दीजिए तो मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क में दे दे रहा हूं इसको आपको बड़े अच्छे से सॉल्व करना है हालांकि हर लेक्चर में मैं आपको दो तीन क्वेश्चन देता ही हूं होमवर्क में करने के लिए कि आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं राइट तो होमवर्क वाले क्वेश्चन में उसको आप अभी भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करो फटाफट ट्राई कर लो एक बार उसके बाद वीडियो को आगे देखो राइट right? चलो नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी लॉ है दैट इज इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हंड्रेड परसेंट अगर स्कूल में पढ़ाया गया है तो हंड्रेड परसेंट आपसे पूछा जाएगा आपके टेस्ट में राइट right? तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाई द ब्लैक बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल वेव लेंथ बट इज मैक्सिमम फॉर पर्टिकुलर वेव लेंथ कह रहे हैं जो टोटल एनर्जी रेडिएट होता है बॉडी से वो किसी सर्टन वेव लेंथ में ज्यादा होता है यानी कि जो एनर्जी रेडिएशन हो रहा है किस कोई एक सर्टन वेवलेंथ है जो उसमें सबसे ज्यादा इमिट हो रखी होगी बॉडी में द वैल्यू ऑफ लेमडा एम द इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेमडा एम की जो वैल्यू है वो घटेगी सर लेमडा एम क्या है इट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी जिस वेवलेंथ की इमिट हुई है ठीक है ना वो अगर आप देखेंगे तो कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो तो वी डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट वेवलेंथ वेवल्डिंग टू विच एनर्जी बाय द ब्लैक मैक्सिमम जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा इमिट हुई है जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा इमिट हुई है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ठीक है तो लेमडा एम इन टी जो है बेटा वो कॉन्स्टेंट के बराबर है ठीक तो वैल्यू देख लो कांस्टेंट पॉइंट नाइन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर केल्विन के बराबर 2.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर केल्विन के बराबर ये वीन्स कांस्टेंट भी कहलाता है और वीन्स लॉ तुमसे जब पूछा जाएगा स्कूल में तो तुम्हें ये लिखना होगा ये पूरा ठीक है In fact, पूरा यहां से लेके यहां पूरा से तक ये ये कहलाता है आपको आना चाहिए कि जो मैक्सिमम एनर्जी जो इमिट हुआ जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा इमिट हुई है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर राइट तो अब यहां पर देखो इसका इलेस्ट्रेशन कह रहे हैं वेन अ आयरन पीस इज हीटेड इन हॉट फ्लेम किसी भी लोहे के टुकड़े को जब हीट किया जाता है इट्स कलर फर्स्ट बिकम डल रेड पहले कलर डल रेड होता है देन रेडिश येलो होता है फाइनली व्हाइट हो जाता है दिस ऑब्जर्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद विद द वीन्स लॉ बिकॉज इंक्रीजिंग इमिशन ऑफ द एनर्जी इज मैक्सिम हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेव लेंथ जो है मैक्सिमम इमिटेड एनर्जी वाला जो वेव लेंथ है वो कम होता जाता है लेमडा एम कम होता जाता है वेवलेंथ कम होना मतलब कलर चेंज होना देखो वेवलेंथ जब चेंज होता है बेटा तो कलर भी चेंज होता है तो यही कारण है कह रहे हैं पहले जो है वो डल रेड दिखाई पड़ता है ठीक है बाद में वो रेडिश येलो दिखाई पड़ता है फिर फाइनली जो है वो व्हाइट दिखाई पड़ता है यानी कि जब लोहे को भी हम गर्म कर रहे हैं तो लोहे का भी रंग बदल रहा है यानी कि वेवलेंथ चेंज हो रही है जो वो इमिट कर रहा है उस एनर्जी की राइट तो यहां पर इम्पोर्टेंस है इंपॉर्टेंस गिवन है पढ़ लीजिएगा थियोरिटिकल पॉइंट है ठीक है इसको आपको सिर्फ रीड करना है बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ये ग्राफ बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ आप बताइएगा ये लॉ बताइएगा ये फॉर्मुला लिखना कांस्टेंट की वैल्यू लिखना बगल में ये ग्राफ बना देना ये ग्राफ क्या कहता है देखो ये ग्राफ है ई e लेमडा और लेमडा के बीच का एनर्जी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ है और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका हमने डिफ्रेंसिएशन यहां पे किया हुआ है क्या है देखो यहां पर आपको ये चीज दिखा रहे हैं देखो ये मैक्सिमम लेमडा है दिस इज एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ यहां पर देखेंगे आप इस पर्टिकुलर यहां देखेंगे तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो एनर्जी इमिट हुई है वो मैक्सिमम है राइट सिमिलरली यहां पर भी देखेंगे यहां देखेंगे यहां देखेंगे यहां देखेंगे, देखेंगे। ठीक है ना ये देखो तो एक चीज अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो यहां टेम्परेचर जब 998 पे बनाया तो ऐसा है 1095 पे बनाया तो ऐसा है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे यहां पहुंचा इस पे कहने का मतलब क्या है ये जो पीक है वो पीक देखो लेफ्ट में खिसक रही है पीक जो है वो लेफ्ट में खिसक रही है ठीक है तो इसका मतलब ये कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे लैम्डा एम जो है वो घट जाएगा लैम्डा एम समझ रहे हो ना लैम्डा एम का मतलब है जिस जहां पर मैक्सिमम एनर्जी तुम्हें दिखाई पड़े जहां पर मैक्सिमम एनर्जी आपको दिखाई पड़े उसके करस्पोंडिंग वेवलेंथ उसके करस्पोंडिंग वेवलेंथ वो वेवलेंथ है लैम्डा एम राइट तो लेमडा एम पीछे की तरफ खिसक रहा है अगर आप ध्यान से देख रहे हैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तो राइट व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स हीट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स व्हेन दीज वेवलेंथ्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वी गेट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम

नहीं याद हो पा रहा है कोई बात नहीं टेम्परेचर लिखो T1 T2 T3 T4 T5 इसमें दिखा दो T5 फाइव इज ग्रेटर देन टी फोर देन टी थ्री टू

बहुत ज्यादा डेप्थ में टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं आपको ये चीज जितना मैंने बताया है उतना ही पढ़ना है और मैंने इन डेप्थ आपको बता दिया है इससे ज्यादा डेप्थ में जाके कुछ भी देखने की जरूरत आपको नहीं है ठीक है अब बात यह सर होमवर्क क्या है तो होमवर्क सबसे पहला क्या है प्रैक्टिस शीट हर लेक्चर में सबसे पहला होमवर्क हमारा यही होता है भैया प्रैक्टिस शीट हम लोग को सॉल्व करनी है दूसरा होमवर्क अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लो एनसीआर की ठीक है एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर सकते हैं एनसीआर के जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उस रेफरेंस बुक से आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका लेक्चर जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ठीक है उम्मीद करता हूँ लेक्चर एकदम चकाचक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा फटाफट -फड़ कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए कैसा लगा आपको ये लेक्चर मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स ठीक है तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर लव यू ऑल